Excuse me, sir. You are about to reach your destination. सर, मोल्डिंग यूनिट से मेट्रोपोलिस मोल्डिंग्स कल बैंगलोर भेजे जा रहे हैं सर, सो यू नीड टू चेक देम एंड गिव देम एन अप्रूवल. लेट्स गो. सर, एडमिन स्टाफ के लोग आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं. गुड मॉर्निंग सर. बोलो. हमारी कॉलोनी में रामनवमी का उत्सव मना रहे हैं. हमने पूजा रखी है नवमी की, इसलिए हम चाहते हैं कि आप अपनी फैमिली के साथ वहाँ आए तो हमें अच्छा लगेगा. इससे हम सबके दिल को बहुत खुशी मिलेगी सर. सॉरी प्रसाद, कल शाम हमारी फैमिली पार्टी है. यू गो अहेड. ओके सर, कल आप पूजा में आएंगे तो हम सबको अच्छा लगेगा. कहा ना नहीं आ सकता. తేజమున్న సుందరాంగుడు పున్నమే చంద్రుడు మహారాజైన మామూలోడు మనలాంటోడు మచ్చలేని మనసున్నోడు జనం కొరకు ధర్మం కొరకు జన్మెత్తిన మహానుభావుడు వాడే శ్రీరాముడు. आप अब तक सोए क्यों नहीं? कहां से आ रहे हो तुम? कुछ काम से गया था. लेकिन किस काम से गए थे? कोई खास काम नहीं था. ऑफिस का स्टाफ कॉलोनी में रामनवमी उत्सव मना रहा था, बस वहीं से आ रहा हूं. अरे वाह, मुझे भी बुलाना चाहिए था ना, मैं भी आता. वैसे क्या क्या किया वहां? सबने मिलकर प्रसाद खाया चाचा, और श्री राम जी के गीत गाए. ये क्या हर्ष, तुम्हें पता था ना आज मामा जी पार्टी दे रहे हैं? पूरी फैमिली वहाँ मौजूद थी, बस तुम ही नहीं थे. पार्टीज मुझे पसंद नहीं है कार्तिक, तू जानता है ना. हर्षा, तुम कभी किसी पार्टी में नहीं आते. यू आर मिसिंग ऑल द फन. या आई नो. कितने बड़े बड़े लोग आए थे, सिर्फ तुम्हारी वजह से भैया को कितना शर्मिंदा होना पड़ा पता है? लेकिन मैंने जो किया उससे ऑफिस वालों के सामने हमारी इज्जत बढ़ गई है. एनफ हर्षा, व्हाट्स रॉन्ग विद यू? यही बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं. ऑफिस स्टाफ की खुशी को नजरअंदाज करके बिना वजह पार्टी देने की क्या जरूरत है आप सबको? इसीलिए मैं वहां गया और वो सब बहुत खुश हुए. आई वॉन्ट टू टॉक टू यू. थोड़ा टाइम मिलेगा मुझे? बहुत देर हो चुकी है, सुबह बात करेंगे. गुड नाइट मां. कल ही मैंने थोड़ी मिट्टी मंगवाई थी पौधे बोने के लिए. आप बात कर सकते हैं क्या? काफी दिनों से मैं तुम्हारा बर्ताव देख रहा हूं. तुम मेरी समझ के बाहर हो. मैं अपने बेटे को समझने की कोशिश कर रहा हूं. व्हाट अ पिटी. तुमने कहा है स्कूलिंग के समय हॉस्टल में रहूंगा, सोचा फ्रेंड्स के साथ रहना तुम्हें पसंद होगा. कॉलेज के लिए दूसरे शहर गए, सोचा कॉलेज अच्छा होगा. हायर स्टडीज के लिए अब्रॉड गए, सोचा शायद तुम्हें दुनिया देखनी होगी. उसके बाद बिजनेस छोड़कर नौकरी ज्वाइन की, लगा कुछ नया सीखने के लिए की होगी. फाइनली यू केम होम, तब लगा कुछ दिन बाद ऑफिस आकर बिजनेस संभाल लोगे. नॉट हैपनिंग. घर वालों से भी आजकल दूर दूर ही रहते हो. घर में सिर्फ मुझे ही नहीं, तुम किसी को समझ में नहीं आ रहे. व्हाई? हर इंसान एक जैसा नहीं होता पापा, आप ही को देख लीजिए. आज तक आपके किसी एम्प्लॉय से या किसी और से भी आपको मैंने कभी प्यार से बात करते नहीं देखा है. व्हाई? मैं तुमसे बहस करने नहीं आया हूं. कमिंग स्ट्रेट टू द पॉइंट, ऑफिस आकर कब बिजनेस टेक ओवर करने वाले हो? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है. व्हाट? मेरा बिजनेस संभालने का कोई इरादा नहीं है. हाँ?
इतनी बड़ी जायदाद, इस सब के तुम इकलौते वारिस हो। इस सब में मैं विश्वास नहीं करता। I thought you were something different, but you are mad. तुम्हारे लिए नहीं तो सब किसके लिए? मुझे क्या पता? आपके पिताजी क्या करते थे? खेतीबाड़ी। उनके बाद आपने खेतीबाड़ी क्यों नहीं की? उसके बिना भी आप इस मुकाम तक पहुंचे ना। I respect you for that. मुझे भी अपनी मर्जी से कुछ करने दीजिए। Let me also earn some respect. क्या करना चाहते हो? अब तक कुछ सोचा नहीं है। Let's see. थोड़ी और लाल मिट्टी मंगवा लीजिए काका। हाँ ठीक है बेटा। रवि क्या हुआ? सुबह से तुम्हारा एक शॉट भी परफेक्ट नहीं लगा। What's wrong? My son. What's wrong with him? He's smart. You got the best. मुझे भी लगता था। सोच रहा था वो मेरे बिजनेस को संभाल लेगा। Finally he said no. What? उसे इस बिजनेस में कोई दिलचस्पी नहीं है। वो अपनी मन मर्जी की करना चाहता है। इस उम्र में बच्चे ऐसी हरकतें करते ही हैं। हमें उन्हें समझाना चाहिए। Why don't you get him married? हम ही उसे समझ नहीं पा रहे। आने वाली लड़की क्या खाक समझ पाएगी? ये लो चाय। थैंक यू। पता है ये जिंदगी की खूबसूरती क्या है? यही कि ये खूबसूरत है। और इस खूबसूरत जिंदगी को कैसे जीना है पता है? कैसे? खूबसूरती से और क्या। हर्षा, कल हमने नए ऑफिस के कोलैबोरेशन की मीटिंग रखी है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के तुम भी एक मेंबर हो। अगर तुम भी वहां रहोगे तो सबको बहुत अच्छा लगेगा। ज्यादा बिजी तो नहीं हो ना? आप भी ना कुछ भी पूछते हैं। इतनी जरूरी मीटिंग के लिए ये मना कर सकता है क्या? देखिएगा, कल सबसे पहले यही वहां पहुंचेगा। हेलो सर। हाय। इस ऑफिस की सारी कुमारी लड़कियों की लिस्ट बनाओ और मुझे जल्दी से जल्दी दो। हर्ष यार, तेरी वजह से यहाँ जॉब तो मिल गया। अगर कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा ना तो लड़की भी पट जाएगी, शादी भी हो जाएगी, मेरी लाइफ तो सेट है। सब लोग हमें ही देख रहे हैं, जरा एक दोस्त की तरह कंधे पे हाथ रख देना, पीछे वाली सेट हो जाएगी। ओके ओके, दोस्त है मेरा पुराना। बढ़िया रिश्ता है माधवराव, लड़का खूब पढ़ा लिखा है, फैमिली भी अच्छी है। वो दहेज भी नहीं मांग रहे हैं, बस लड़के की हायर स्टडीज के लिए थोड़ा खर्चा उठाना है। तुम्हारी बात सही है सुधाकर, लेकिन हमारे पास उतने पैसे भी तो नहीं है। इतने साल मेहनत करके बेटे की पढ़ाई और बेटी की शादी के लिए पैसे जमा किए हैं। पूरे पैसे बेटी को दे दूंगा तो बेटे का क्या होगा? एक बार ठीक से सोच लो। लड़के वाले आज शाम रजनी को देखने आ रहे हैं। मैं उन्हें सारी सच्चाई पहले ही बता दूंगा, बाकी सब ऊपर वाले के हाथ में है। सर, मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, सब आपका इंतजार कर रहे हैं। A very warm welcome to all of you. Before we get into the technicalities of the project, I'd like to mention a few things. As most of you know, we at RK Engineering have never ever been involved in collaborations before this. But all that is a thing of the past. From today, we are with you. And we take immense pleasure in collaborating with you on this project. The market, ladies and gentlemen, is watching us very, very keenly. Which is going to be our most prestigious project till date. Shall we? Harsha? Are you bored? I'm fine. Meghna? Yes, uncle? You also seem bored. Why don't both of you go and have a cup of coffee?
ओके श्योर। हर्ष तुम्हें पता तो है ना हर्ष आज हम दोनों को यहाँ इस मीटिंग के लिए क्यों बुलाया है? ताकि हम दोनों पर्सनली मिलकर एक दूसरे को जान सके। वैसे भी हम दोनों बिजनेस फैमिलीज से हैं, बोथ ऑफ अस आर हाईली एजुकेटेड। आगे हम दोनों को ही ये बिजनेस संभालना है, एक दूसरे को अच्छे से जानते भी हैं। सो दे फील वी आर मेड फॉर ईच अदर एंड ऑफ कोर्स मी टू। बस दिखने में थोड़ा अच्छा हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं हूं। आई लिव इन माय ओन वर्ल्ड, अपनी ही दुनिया में रहता हूं, बोर कर दूंगा तुम्हें। यू आर टू मॉडेस्ट, आई लाइक यू इवन मोर नाउ। यू वांट मी टू बी मोर ऑनेस्ट? तुम भी मेरे लिए परफेक्ट नहीं हो, मेरी दुनिया में तुम्हारे लिए जगह नहीं है। कॉफी खत्म हो चुकी है और हमारा वक्त भी। नमस्ते जी। नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते जी। माधव राव जी का बेटा सुधीर। नमस्ते। हाय। हाय। आपकी बेटी हमें बेहद पसंद आई। आपके परिवार के बारे में हमने बहुत कुछ अच्छा सुना है, आपके साथ रिश्ता जोड़कर हमें बहुत खुशी होगी। मेरे बेटे की पढ़ाई के लिए आपको तकलीफ देना मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अगर वो अच्छे से सेटल हो गया तो आपकी ही बेटी खुश होगी। मैं भी आपसे यही बात करना चाह रहा था, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ठीक है, लेकिन अरे हर्ष बेटा आप यहाँ कैसे? पता चला रजनी को देखने लड़के वाले आ रहे। हमारे चेयरमैन रविकांत जी का बेटा है। नमस्ते। अरे बैठिए ना। आइए आइए बैठिए। हाय सर। हाय। आपके डैड को देखकर ही मैं इंस्पायर हुआ हूं, मैं उनकी तरह मेहनत करना चाहता हूं, सक्सेसफुल बनना चाहता हूं। ऑल द बेस्ट। माधवराव जी कंपनी में सालों से काम कर रहे हैं, ही इज लाइक फैमिली। उनके घर की शादी मतलब हमारे घर की शादी। सुना है आपके बेटे को हायर स्टडीज के लिए कुछ पैसे चाहिए, हमारे सीनियर एम्प्लॉय होने की वजह से इनके नाम पर कुछ शेयर्स हैं। हम आपको निराश नहीं करेंगे, बस आप मुहूर्त निकलवाइए। हमारे घर की बेटी है, जरा ख्याल रखिएगा। चलता हूं सर। कल ऑफिस से 20 लाख का चेक भेज दूंगा। ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। एहसान नहीं है सर, जिम्मेदारी। इतने सालों से ईमानदारी से काम किया, हमारा भी फर्ज बनता है। सुधीर पढ़ाई कैसे चल रही है? ठीक चल रही भैया। इन्हें तुम पर पूरा भरोसा है, यू शुड मेक हिम प्राउड। अब अंदर जाइए, सब इंतजार कर रहे हैं। जाइए सर। हर्षा मीटिंग से कहां चले गए थे? वापस ही नहीं आए, कहां गए थे? आप उसे मीटिंग कहते हैं? लड़की से मिलवाना है तो सीधे कहते क्यों नहीं? ऑफिस में बोर्ड मीटिंग का बहाना बचकाना नहीं है? आपने जो किया मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। मैं बताता हूं मामा जी, यह ऑफिस से सीधे हमारे एम्प्लॉय माधवराव के घर गया था, उनकी बेटी की शादी है ना, और यह वहां जाकर 20 लाख रुपए दान करके आया है, और ऑफिस में भी कह दिया कि कल सुबह तक उनके घर 20 लाख रुपए का चेक पहुंच जाना चाहिए। ये क्या कर रहे हो हर्ष? 20 लाख रुपए, इतने सारे पैसे? वो भी कम है, कंपनी की शुरुआत से वो हमारे साथ काम कर रहे हैं, हमने इतनी तरक्की की, लेकिन वो अपनी बेटी की शादी भी नहीं कर पा रहे। शेम ऑन अस कार्तिक। अगर कोई भी मुसीबत में फंसा होगा तो क्या तुम उसे पैसे दान करते फिरोगे? देयर फैमिली। शायद ये नहीं जानते वो मुसीबत में, वरना मुझसे ज्यादा देकर आते। चेक सुबह पहुंच जाना चाहिए कार्तिक। आज 20 लाख रुपए दिए हैं, कल शायद किसी को करोड़ों रुपए दे देगा। तुम अब भी उन 20 लाख रुपयों के बारे में सोच रहे हो और मुझे उसकी सोच को लेकर चिंता हो रही है।
मुझे नहीं पता था कि तेरे डैड ने उस लड़की से मिलवाने के लिए तुझे ऑफिस बुलवाया था। कोई बात नहीं माँ। तुम किसी लड़की को पसंद करते हो क्या बेटा? ऐसा कुछ हो तो सबसे पहले आपको बताऊंगा। ठीक है, अब जल्दी से सो जा। सुबह 5 बजे मंदिर जाना है, वहाँ मुझे तेरे नाम से पूजा करवानी है। भाभी, संध्या को कल ही बताया था ना कि सुबह मंदिर जाना है, फिर भी नहीं आई। हर रोज पार्टी करके लेट आती है, पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। गाड़ी गोल गोल क्यों घुमा रहे हो बेटा? अंधेरा है ना, रास्ता भूल गया। अरे क्या हुआ बेटा? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अरे रो मत, रो मत बेटा। चलो बच्चे, चलो चलिए चलिए बच्चे। ए रामू, अरे बगल वाले कमरे में कोई है क्या? देखने जरा दिया। हाँ। अभिषेक, अभिषेक आ गए। वो देख बुढ़िया, वो पत्थर भी दीजिए। इसे लो। हंसते हंसते वो सुबह घर से निकला था। आप ही बताइए उसकी क्या गलती थी, वो हमें हमेशा के लिए छोड़कर चला गया। डॉक्टर सर, कितनों की मौत हुई? अब तक 4 बच्चे मर गए हैं, 2 की हालत गंभीर है, इसलिए शहर भेज दिया। यहाँ कितनों के बच्चे मर गए? बंद करो ये रोना थोना। जो मर गए उन्हें 10,000, जो घायल हैं उन्हें 5,000 मिलेंगे। सरकार से बात कर लूंगा मैं। 2 साल से नारायण काका आपको कह रहे हैं कि स्कूल को मरम्मत की जरूरत है, आपने ध्यान नहीं दिया और इस वजह से आज 4 बेगुना बच्चों की जान चली गई। तेरा मतलब मैंने मारा क्या? हाँ? जाने दीजिए मालिक, बच्चे है ना गरम खून है। आप जो चाहते हैं हम वैसा ही करेंगे मालिक। अब भी आसपास के गांव में 10-15 सरकारी स्कूलों की यही हालत है, कब क्या हो जाए ये कहना बहुत मुश्किल है मालिक। अब आपको ही कुछ करना होगा। हाँ तो मैंने कब ना कहा, अब ध्यान से सुन। बच्चों को खंडहरों में पढ़ाने की बजाय हमारे कॉन्वेंट्स में भर्ती करा दो। आसपास के गांव में जितने बच्चे हैं सबको हमारे कॉन्वेंट में भर्ती होने के लिए कह दो। अब शिक्षा को अपने काले धंधे से मत मिलाओ, और कितनी जिंदगी बर्बाद करोगे। ये ना समझ है मालिक, आप जाइए। पागल हो गया है क्या रे? हम सब पागल नहीं तो और क्या है काका, पूरे जिले में बेहिसाब लूट हो रही है, वो जो चाहे वो कर रहे हैं, गरीब के मुंह से निवाला छीन रहा है। कब तक चुप रहेंगे हम? पर अब तो जान पे बनाइए काका। तो क्या मुझसे पंगा लेगा तू? हाँ, मार डालेंगे तुझे। मालिक, इन दोनों रिपोर्टर्स को पकड़ा है, ये बस स्टॉप से भागने की कोशिश कर रहे थे। चल। बैलगाड़ी के नीचे आकर एक लड़के की मौत हो गई, खेत में सांप के डसने से एक आदमी की मौत हो गई, धूप से चकराकर एक औरत का पैर फिसला और वो कुएं में गिर गई।
ये सब छापो ना, सुनने में कितना अच्छा लगता है। लेकिन तू तो मेरे बारे में छापकर हीरो बनना चाहता है। काम चोरो, इस निकम्मे को समझाए नहीं, शशि से पंगा लेने का मतलब अपनी मौत को गले लगाना। हाँ, तुझे क्या लगता है मैं डर जाऊंगा? हाँ, तेरी गीदड़ भपकियों से ये बेचारे गांव वाले डरेंगे, लेकिन मैं नहीं, अपनी आखिरी सांस तक तुझसे लड़ूंगा। सही कहा। ए, इन दोनों को हाईवे पर लेटा दो, लॉरी आकर अपना काम कर देगी। भैया को मार दिया काका, उनके खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत की तो भैया को कितने बेरहमी से मार दिया। भैया कहाँ जा रहे हो जग्गू? मैं शहर जा रहा हूँ नारायण जी, वहाँ कुछ ना कुछ मजदूरी करके अपने बेटे को पढ़ाऊंगा। उसके लिए गांव छोड़कर क्यों जा रहे हो? यहाँ पर भी इसकी पढ़ाई चल रही है ना? अगर ये यहीं रहेगा तो अपने भाई की तरह मारा जाएगा। हम सुकून से जीना चाहते हैं, हमें जाने दीजिए। इस तरह गांव छोड़कर मत जाओ, हम यहीं पैदा हुए हैं, यहीं मरेंगे। देखो जग्गू, भाभी मत जाओ, भाभी देखो बेटा, देख बेटा जग्गू, सुन ना मेरे भाई, मेरी बात सुन। पाँच सौ 21 हो गए हैं। अब तक 521 हो गए हैं। अरे भाई साहब, ये 521 क्या है? 521 लोग गांव को छोड़ के चले गए हैं, ना जाने अभी और कितने जाएंगे। ओके ओके, आप चलिए, केक बस आ ही रहा है। हाय हर्ष, हैप्पी बर्थडे टू मी। माँ देखो हर्ष आ गया। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। घर पे सब ठीक है ना बेटा? जी सब ठीक है। सिर्फ तुम्हारी वजह से आज इस नालायक के पास नौकरी है, मुझे तो लगा था जिंदगी भर ये घर पे ही रहेगा। माँ आज मेरा बर्थडे है, आज तो मेरी बेइज्जती मत करो तुम। हर्ष चल ऊपर चल, केक आने वाला है बस थोड़ी देर में। स्ट्रॉबेरी केक ऑर्डर किया, बहुत ही कमाल का, टेस्टी होगा देख लेना तू। हे देखो, रमेश ने तो बहुत अच्छे से घर को सजाया है। सूरत लग रही है ना? एक्सक्यूज मी मैम, बर्थडे केक लाया हूँ। थैंक यू मैम। केक मस्त है ना? अरे अरे, अरे, अरे क्या कर रही हो? ए बच्चा पार्टी, इधर आओ। ये लो और मजे करो। थैंक यू, चलो चलो चलो। ये क्या? अरे हाय, वेलकम। हैप्पी बर्थडे रमेश। हैप्पी बर्थडे टू मी। ये मेरा दोस्त है हर्ष। हाय। ये चारू मेरी कजन। हाय। एक मिनट। हेलो, केक भेज दिया मतलब? अब तक यहाँ कोई केक नहीं पहुंचा, क्या बात कर रहे हो? हाउ इज इट पॉसिबल? सॉरी हर्ष, वो बोल रहे केक यहाँ भेजा था, एक मिनट में देखता हूँ। किसको दिया था केक, कौन आया था, कब आया था? केक अंदर ले आती तो इतना हंगामा नहीं होता। ये बात प्लीज रमेश को मत बताना, वरना रोने लगेगा। और वैसे भी इस उम्र में केक काटना, कैंडल्स फूकना, गाना गाना, ये सब बचकानी हरकतें हैं ना? बिल्कुल पागल है ये, सबको परेशान करता रहता है। क्या करती हैं आप? MBA कर लिया है, अब रूरल डेवलपमेंट कोर्स कर रही हूँ। रूरल डेवलपमेंट कोर्स मतलब? मतलब विलेजेस को मॉडर्न मेथड्स के साथ कैसे डेवलप कर सकते हैं, कैसे एम्पावर कर सकते हैं, ये सिखाते हैं। इंटरेस्टिंग, ऐसा कोर्स करने वाले पहले इंसान से मिल रहा हूँ मैं। मैंने अपनी सारी पढ़ाई गांव में ही की है, वहीं पली बड़ी हूँ। मेरे गांव ने मुझे बहुत कुछ दिया है, मुझे कुछ न कुछ तो लौटाना होगा ना? अगर नहीं लौटाया तो पाप लगेगा। ओके, लगता है केक आ गया है, चलो। शायद उस दिन आपने इसी लड़की को देखा था ना? हाँ ये वही लड़की है, शी इज नाइस। अरे वाह, अरे वाह, क्या बात है, ऑसम केक है। सेल्फी सेल्फी, चारू 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 सेल्फी। हाँ वाह 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 वाह।
कल बर्थडे पार्टी में मिले थे। हाँ हाँ याद आया, कैसे आप? कार सर्विस करने जा रहा था तो आपको देखा। सर्विस स्टेशन यहाँ पर कहाँ है? पास ही में, आपको दिखाऊं? अरे नहीं नहीं, मैंने तो बस ऐसे कैजुअली पूछा। कॉलेज से आ रही हो? हॉस्टल जा रही हो? चलो ड्रॉप करता हूँ। लेकिन तुम्हें कैसे पता मेरा हॉस्टल कहाँ है? तुम्हें तो पता है ना। चलो। सर्विस स्टेशन एग्जैक्टली है कहाँ पर? यहाँ नहीं है, मैं तुमसे मिलने आया था। समझ गई, कल हम पार्टी में मिले थे, तुम बहुत खूबसूरत हो, तुमसे बात करने का मन किया इसलिए मिलने चला आ गया, यही कहोगे ना? नॉट एग्जैक्टली, मुझे एक्चुअली रूरल डेवलपमेंट कोर्स बहुत पसंद आया, उस कॉलेज और कोर्स के बारे में जानने का मन किया, इनफैक्ट मुझे ज्वाइन करना है। तो फिर मुझसे क्या काम है, एडमिशन लो और कॉलेज चले जाओ। तुम्हें कैसे पता मैं इसी हॉस्टल में रहती हूँ? पिछले हफ्ते मंदिर जाते हुए मैंने तुम्हें यहीं बाहर देखा था, सर्विस स्टेशन बहाना था सच में। बाय बाय। ये सुनसान वाद है चारू। वाओ। सुनो चारू, यू आर ब्यूटिफुल, सच कह रहा हूं। हाय। अभी अभी जिसने तुम्हें कार में ड्रॉप किया वो लड़का कल पार्टी में था ना? जब से मैंने उसे पार्टी में देखा है मैं तो उसे भुला ही नहीं पा रही हूँ। वैसे तुम उसे कहाँ मिली? कॉलेज के बस स्टॉप के पास वेट कर रहा था। प्रपोज किया? ऐसे उसने कहा नहीं, लेकिन कह रहा था कि मुझे कोर्स पसंद आया है, मुझे ज्वाइन करना है वगैरह वगैरह। हाँ लेकिन ज्यादा दिन टिकेगा नहीं, जिस दिन उसने अपने प्यार का इजहार किया उस दिन बताऊंगी कि मैं क्या चीज हूँ। हे, तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा हो रहा है? इतना हैंडसम लड़का अगर मेरे पीछे पड़ा होता तो मैं उसे फट से गले लगा लेती। वो कितना क्यूट है, बाकी लोगों से काफी अलग है वो। ओह अच्छा, ऑल गाइज आर द सेम। कल शाम तक वेट करो, देखना नया अपडेट दूंगी तुम सबको। इसे लास्ट वीक स्टडी किया था। सुभाष। गुड मॉर्निंग। टुडे वी विल लर्न अबाउट साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रूरल डेवलपमेंट। इन दिस कॉन्टेक्स्ट रीथिंकिंग इंस्टीट्यूशनल कैपेसिटी एंड गवर्नेंस इज मस्ट। मेनी रिकमेंडेड मेजर्स फॉर रूरल डेवलपमेंट कैन नॉट बी इफेक्टिव विदाउट सिग्निफिकेंट कैपेसिटी बिल्डिंग एंड इंस्टीट्यूशनल रिफॉर्म। इन सम एरियाज डिसेंट्रलाइजेशन शुड बी प्रमोटेड। हाय। हाय। हॉस्टल छोड़ दूँ? हाँ। बुरा ना माना तो एक बात पूछूं? पूछो। मैंने अभी ज्वाइन किया है ना, पहले के क्लासेस मिस हो गए, उसके नोट्स दे दो, मैं कॉपी करके तुम्हें लौटा दूंगा। मैंने ठीक से कुछ नोट नहीं किया, लाइब्रेरी के बुक्स में सब मिल जाएगा। ओ अच्छा। क्या हुआ आज? उसने कॉलेज ज्वाइन किया क्या? कुछ बोला क्या? ज्वाइन तो कर लिया लेकिन मैंने उसे ज्यादा भाव नहीं दिया। अच्छा,
हाँ सच में वो क्लास में लेक्चर सुनने के बजाय मेरी तरफ ही देखे जा रहा था। सच में मुझे देख रहा था। ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ रूरल डेवलपमेंट द पैराडॉक्स मेजॉरिटी ऑफ द पुअर स्टिल लिव इन रूरल एरियाज एंड एट डोनर सपोर्ट फॉर एग्रीकल्चरल एंड अदर रूरल डेवलपमेंट हैज स्लम्प्ड रूरल एंड अर्बन लाइवलीहुड्स आर इंटरडिपेंडेंट एंड देयर इज रेयरली अ शार्प जियोग्राफिकल डिवाइड बिटवीन रूरल एंड प्री अर्बन। क्या कर रही हो? क्लास का टाइम हो गया। होने दो, क्या फर्क पड़ता है? कुछ दिनों से देख रही हूँ रोज कॉलेज आते हो, जब देखो तब लेक्चर में तुम बस नोट्स ही लिखते रहते हो। तुम्हारे आसपास कौन खड़ा है ये देखते भी नहीं। दोस्तों से मिल तो लिया करो, ना हाय करते हो ना एक स्माइल करते हो। इट रियली हर्ट्स माई फीलिंग्स। జతకలిసే జగములు రెండు జతకలిసే జతకలిసే అడుగులు రెండు क्या हुआ? सब उदास क्यों है? और क्या होगा? दौलत के साथ मुफ्त में आने वाली टेंशन्स, नए कॉन्ट्रैक्ट को लेकर कोई प्रॉब्लम हो गई है। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो, जरा होल्ड करना। राधे, सेंट्रल मिनिस्टर विश्वनाथ राव का बेटा, 12 अपॉइंटमेंट लेने को कह रहा था, उसकी जान लेने वाला था लेकिन थप्पड़ मार के छोड़ दिया। हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात करने आया हूं, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे चाहिए। टेंडर क्यों नहीं भरते? इट्स ओपन फॉर ऑल। ये बात तो तू भी जानता है कि तेरे होते हुए वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे नहीं मिल सकता, तो चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। वेरी फनी, तुम क्या समझते हो तुम्हारे कहने से सब लोग पीछे हट जाएंगे क्या? जाओ टेंडर भरो। टेंडर भरने का टाइम नहीं है, वो कॉन्ट्रैक्ट मुझे ही चाहिए। बच्चों की तरह जिद नहीं किया करते। बच्चा, चल तुझे एक कहानी सुनाता हूँ। रोज मंदिर जाने वाली तेरी बीवी घर नहीं लौटी तो कॉलेज में जाने वाली तेरी बेटी वहीं से गायब हो गई तो पार्टी से आती हुई तेरी साली ट्रक के नीचे कुचल कर मर गई तो अरे आए, इसके घर में एक छोटा बच्चा भी है ना। लगता है फैमिली थोड़ी बड़ी है, सबके बारे में बताना बहुत मुश्किल है। तू एक इंटेलिजेंट बिजनेसमैन है, एक कॉन्ट्रैक्ट के लिए अपनी फैमिली को गवाना नहीं चाहेगा। ऐसी धमकियां देने वाले बहुत लोग होंगे लेकिन मैं उनसे अलग हूं। मैं कुछ भी करूं मुझे बचाने के लिए मेरे पीछे एक बैड फादर है। असली जिंदगी को छोड़कर नकली जिंदगी जी रहे हैं ये लोग। कल की फेयर ओपनिंग में मुझे जरा सी भी कवरेज नहीं मिली है।
बस न्यूज में ये दिखा रहे हैं कि मैंने ओपनिंग की है, पर एक भी फोटो नहीं डाली। और ये पहली बार नहीं है, हर इवेंट में ऐसा ही हो रहा है। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। कब तक हमारे बारे में कोई और लिखता रहेगा? हम अपने बारे में खुद क्यों नहीं लिखते? तुम्हारा मतलब? सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, सिर्फ इवेंट क्या, उसमें आप जो चाहे लिख सकती हैं। वैसे कौन है आप? हाय। हाय। होमवर्क कर रही हो? पोस्ट ग्रेजुएशन थीसिस। बस आखिरी बार मेरी तरफ से हाई कमांड से बात कर लीजिए। अगर मेरी मिनिस्ट्री चली गई तो पूरे स्टेट में मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाँ हाँ, प्लीज सर। ओके ओके सर। बाहर कोई आया है जो आपसे मिलना चाहता है, कह रहा है आपका रिश्तेदार है। अंदर भेजो। कौन हो तुम? हर्ष, आपको नहीं पता मैं कौन हूं, पर अगर आपको जानता हूं ऐसा नहीं कहता तो अंदर आने नहीं देते। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में आपका बेटा मेरे डैड के पास आया था, धमकी देने लगा कि वो टेंडर उसे चाहिए और डैड को हटने के लिए कहा। उसने ये भी कहा कि नहीं हटे तो फैमिली को खतरा है। टेंडर और बिजनेस के बीच अगर फैमिली को लाया तो मैं उसके थोबड़े का नक्शा बदल दूंगा। बिजनेस में फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। हर्ष, तुम यहाँ कैसे? तुम्हारे डैड से थोड़ा सा काम था। ओह अच्छा, डैडी, हर्ष का जो भी काम है फौरन हो जाना चाहिए। वेरी नाइस गाय। आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आती हूँ। क्या कह रहा था, भूल गया। हाँ, फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। इतने बड़े होकर अपने बेटे को ये भी नहीं सिखा। हर्ष बेटा, अरे तुम यहाँ कैसे? बस कुछ काम से आया था आंटी। ये बहुत अच्छा लड़का है, इसका जो भी काम होगा आप तुरंत कर दीजिए। आप लोग बातें कीजिए, मैं भी आती हूँ। ठीक है। तो हम कहाँ थे? फैमिली बीच में नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, मेरी फैमिली पर नजर रखना बंद कर दे। ये तू भी समझ और अपने उस सिर फिरे बेटे को समझा दे। उसने कहा वो कोई भी गलत काम करे उसे बचाने के लिए उसके पीछे एक बैड फादर है। मेरी फैमिली को बचाने के लिए मैं बैड सन हूं। बैड मतलब तुझ जैसा नहीं, तुझसे ज्यादा बिगड़ा हुआ। कल सुबह तेरा बेटा मेरे ऑफिस आया, शाम को मुझे पता चला, रात को तेरी फैमिली का पता लगा, सुबह फ्लाइट में दिल्ली आया, दोपहर को तेरी बीवी से बातचीत की, शाम को तू मेरी बात समझ गया। काम उम्मीद से जल्दी हो गया, उसे समझाओगे ना? इकलौता बेटा है शायद, अब मैं निकलूं वरना तेरी फैमिली मुझे खाने के लिए रोक लेगी। हर्ष, कहाँ जा रहे हो? खाना तैयार है, खा के जाओ ना। फ्लाइट के लिए देर हो रही है, अगली बार खाना खा के जाऊंगा। उस इंजीनियर के बेटे का मर्डर केस दिन ब दिन कॉम्प्लिकेट होता जा रहा है भाई। फैमिली तो चुप बैठी है, लेकिन वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर उसको ज्यादा चर्बी चढ़ी है, उसका कुछ करना पड़ेगा भाई। उस प्रोसिक्यूटर की फैमिली के बारे में पता कर, बीवी बच्चे वाला तो वो भी होगा, समझ गया ना? जी भैया। किसी कॉन्ट्रैक्ट के मामले में हाल ही में किसी को धमकी दी थी तूने? हाँ भाई, हाईवे एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्ट, उसको लेकर राधे भाई ने किसी को धमकी दी थी। तूने जिसे धमकी दी, याद रखना उसका एक बेटा भी है, और वो किसी मिसाइल से कम नहीं। सरेआम दिल्ली आकर मेरे ही घर में घुसकर मुझे ही धमकी देकर गया वो। राधे को कुछ मत बताना, ये तुम खुद ही हैंडल करना। ठीक है भाई, मैं उससे निपट लूंगा। हाँ बको। हेलो चारू, मैं बोल रहा हूँ। आज शाम 7:30 बजे मैंने स्टार होटल पे हमारे लिए एक टेबल बुक किया है, हम दोनों जा रहे हैं, कोई बहाना नहीं।
मैंने कहा था ना मैं तुम्हारे साथ डिनर पर नहीं आऊंगी, इतनी सी बात समझ में नहीं आती? तुम नाराज होती हो ना, अच्छी लगती हो, लेकिन हम दोनों आज जा रहे हैं, मुझे और कुछ नहीं सुनना है। पागलों की तरह जिद करोगे ना तो तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगी मैं, समझे क्या? ऐसी क्यूट क्यूट बातें ना हम होटल में बैठ के करेंगे, तुम्हें आना है और हम जा रहे हैं, समझ गई? 7:30 बजे होटल में टेबल बुक किया है, 9:30 बजे खुशखबरी दूंगा। हेलो। हाय हर्ष, कल शाम को मेरे रूममेट की शादी है यहीं शहर में, उसने कहा है तुम्हें लाने को, वरना वो शादी नहीं करेगी। मैं तो उसे जानता तक नहीं। यू कैरी ऑन। मुझे तो जानते हो ना, हम दोनों साथ में जाएंगे। मुझे थोड़ा अजीब लगेगा। कुछ अजीब नहीं लगेगा, तुम मुझे 8 बजे पिक करोगे और हम लोग साथ में जाएंगे। क्या बात है, तुझे भी किसी ने डिनर पे बुलाया क्या? जा। कब आए तुम सब? जस्ट। तुम तो जल्दी आने वाली थी ना? देखो। मैं 2 मिनट में। कहाँ जा रहे हो? रेस्टरूम। ओह ओके, ठीक है जाओ। और क्या? मिनिस्टर ने भेजा। किसका फंक्शन है मुझे पता नहीं, किसी दोस्त के साथ आया, यहाँ मारपीट नहीं। वो लड़की कौन है, तेरी गर्लफ्रेंड है क्या? बाद में बात करेंगे, निकल यहाँ से। तू तो कितना डरता है बे, दिल्ली तक कैसे पहुँच गया? माँ बाप भाई बहन सबसे प्यार करता है ना, ये सब तेरी कमजोरी है ना बेटा, फिर तेरे में इतनी हिम्मत कहाँ से आई? आज तेरा बैड लक है, मेरे सारे लड़के अंदर आ गए हैं। कौन कब कहां से तुझ पे हमला करेगा मुझे नहीं पता। माँ बाप भाई या गर्लफ्रेंड, इनके होने से डर नहीं लगता क्योंकि ये मेरी ताकत है। 2 मिनट में लौटूंगा ऐसा कह के आया, अंदर तेरे लड़कों से भी मिल लूंगा।
ऑल क्लियर, सब लड़के अपनी अपनी जगह फिट हो गए, अब तेरी बारी। अगली बार जब तेरा ऐसा कोई प्लान बने तो अच्छी जगह चुनना, पब्लिक प्लेस की झंझट मत रखना, एक झटके में खत्म कर दूंगा। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, चलो स्टेज पर जाते हैं। हाय, थैंक्स फॉर कमिंग। ये है हर्ष। हाय हर्ष, कांग्रेचुलेशंस। कैसे हो? मैं ठीक हूं। हर्ष पोज करो। अरे चारू, सुधा, हाय, काफी दिनों बाद मिली, कैसी मैं हो? मैं ठीक हूँ। और ये मेरे पति करण, हाय। हाय। और ये ये मेरा फ्रेंड है हर्ष। हेलो। हेलो, हाय, नाइस मीटिंग यू। तुम्हारी बेटी सो क्यूट। एक ही बच्चा प्लान किया है ना? इस साल का स्कूल में एडमिशन करवाएंगे, उसके बाद ही दूसरे का प्लान करेंगे। एक ही बच्चा काफी है ना, एक और बच्चे की क्या जरूरत है? सिर्फ एक कैसे चलेगा, हम फाइनेंशियली एक और बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं। अफोर्ड कर सकती हो इसका मतलब पैदा करती जाओगी? अरे चारू, देखो ना हर्ष, अगर एक और बच्चा चाहिए तो किसी अनाथ को अडॉप्ट क्यों नहीं कर लेती? ये मेरी बात सुनने वाली तो है नहीं, आप इसे समझाइए ना, एक लड़की काफी है। और अगर आप दूसरा बच्चा अफोर्ड कर सकते हैं तो किसी अनाथ को अडॉप्ट करके उसकी जिंदगी संवार दीजिए। हाँ ठीक है ठीक है, सुधा चलो चलते हैं। चलो, मिलकर अच्छा लगा, तुम बिल्कुल नहीं बदली। खबरदार, अगर एक और बच्चा हुआ ना तो देख लेना। बाय बाय। मुंह पे बोलने की क्या जरूरत थी? देखा उनका चेहरा उतर गया। उतर गया तो उतरने दो, इसी तरह बोलने से तो वो समझेंगे। मेरे पास तो बहुत पैसा है, मैं कितने बच्चे अडॉप्ट करूं? पहले शादी करके एक पैदा कर लो, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी। Thanks for the lovely evening. Same here. अब मैं चलूं? Yeah, okay. Good night. Good night. हर्ष, तुम अच्छे हो। अच्छा? बहुत अच्छे हो। क्या बात है नारायण, आज यहाँ कैसे आना हुआ? इस साल अब तक गांव के आसपास के 6 किसानों ने आत्महत्या कर ली है मालिक। हाँ सुना है, अब बारिश नहीं हुई तो हम क्या करेंगे? अगर तालाब का पानी मिल जाए तब हम खेती कर सकते हैं मालिक, बस यही कहने में। hey, चिपलून में अब तक माल क्यों नहीं पहुंचा? अगली बार गलती मत करना वरना बॉक्स में भर के तेरे को भिजवा दूंगा। और नारायण कोई नई खबर बताओ? नई खबर? किसानों ने आत्महत्या कर ली, इससे बड़ी और नई खबर क्या हो सकती है? hey, भाई, गर्मी बढ़ने वाली है, रात में भी काम करके पूरे जिले में ठीक से माल सप्लाई करना। अगर वो तालाब का पानी मिल जाए। अबे गधे, वो तालाब मेरा है और मेरा धंधा उसी तालाब की वजह से चल रहा है। आइंदा मेरे तालाब के बारे में पूछा तो ठोक डालूंगा तुझे। निकल। अरे जाना कहते निकल। अपना गांव छोड़कर दो दो बच्चों को लेकर कहां जाओगी तुम?
क्या करोगी? मेरी बात मान जाओ बहन। यहाँ रहकर भी हम क्या करेंगे नारायण जी, हम तो खेती बाड़ी करके जीते हैं। शशि की वजह से हमें तालाब का पानी तक नसीब नहीं हो रहा। ओह, कुछ न कुछ करके उस तालाब का पानी मैं यहाँ जरूर लाऊंगा, मेरी बात का विश्वास करो। 15 सालों से गांव वाले इसी झूठी आशा में जी रहे हैं और इसी वजह से मेरे पति ने आत्महत्या की। रुको बहन, रुक जाओ ना। इनको मिला के हो गए 524। शर्म नहीं आती तुझे? सुधरेगा नहीं तू। गांव छोड़ के जाने वालों का भी तो हिसाब रखना चाहिए ना, इसमें गलत क्या है, है ना? तुम लोगों को जाने से रोको तो मैं गिनती करना बंद कर दूंगा, ठीक है? मेरे लिए एक रिश्ता आया है। अच्छा, घर वाले तो पीछे ही पड़ गए हैं। वैसे क्या ऑर्डर कर रही हो तुम? वही सोच रही हूँ कि क्या ऑर्डर करूँ। सरप्राइज, टॉप बिलियनियर्स और उनके बच्चों के बारे में आर्टिकल आया है, जरा देखो तो कौन है इसमें। कौन है? अरे इट्स हर्ष। हर्षा? हर्षा है? आर इंडस्ट्रीज के मालिक रवि कांत जी का बेटा है, लेकिन कितना सिंपल रहता है ना वो, इट्स अनबिलीवेबल। Is something wrong? No, nothing. तो मुझे avoid क्यों कर रही हो? ऐसी बात नहीं है, बाकी कामों में बहुत busy रहती हूँ, इसीलिए। Sure? Yes. चारू सुनो। Hmm? I love you. अब तक जिंदगी दिलचस्प नहीं लगी। एक एक पल मुश्किल से कटता था। लेकिन तुमसे मिलने के बाद सब बदल गया। Honestly कहूं तो हर पल खुश रहता हूं मैं। हम दोनों एक जैसा सोचते हैं, एक जैसा हंसते हैं, एक जैसे उदास हो जाते हैं, एक जैसे ही रहते हैं। हम दोनों एक हो जाएं तो अच्छा होगा चारू। हम दोनों एक जैसे नहीं हैं, हम कभी एक नहीं हो सकते। तुम्हारा गांव कौन सा है पता है तुम्हें? नहीं पता ना? तुम इतने बड़े हो गए हो और तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता। तुम्हारे गांव का नाम है देवरकोटा। मेरे गांव का नाम तुम्हें कैसे पता? मैं भी उसी गांव से हूँ जिस गांव ने तुम्हें जन्म दिया। उसे छोड़कर करोड़ों रुपए कमाने के बाद अपने गांव को पूरी तरह भुलाने वाले एक अमीर बाप की औलाद रवि कांत जी के बेटे हो तुम। अपने गांव को देवता मानकर हर पल उसकी भलाई सोचने वाले नारायण राव की बेटी हूं मैं। हम दोनों की दुनिया अलग है हर्ष, हम कभी एक नहीं हो सकते। देखो, इसमें किसी की गलती नहीं है। हम दोनों ने जो पल एक साथ बिताए वो मुझे हमेशा याद रहेंगे। गुड बाय हर्ष। शॉकिंग कार्तिक,
कंपनी ने जो टेंडर भरा था वो पास नहीं हुआ। जिसने हमारी तरह दूसरा टेंडर डाला वो पास हो गया। ये टेंडर डालने वाला कौन हो सकता है एंड व्हाई? पता नहीं कौन होगा। तुम्हें भी नहीं पता माधव राव? हर्ष ने टेंडर डाला। हर्ष अचानक वो एक दिन मेरे पास आया और कहा कि दूसरा टेंडर भर दो और ये बात किसी को भी पता नहीं चलनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। आई एम रियली वेरी सॉरी सर। बाद में क्या कर रहे हो? मुझे दो ले दो ना, छोड़ो। समझ नहीं आ रहा। बच्चों सुनो, तो अर्चा जिसकी उम्मीद भी नहीं थी वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया सिर्फ तुम्हारी वजह से। दूसरा टेंडर डालने का आइडिया कैसे आया तुम्हें? आपको वो कॉन्ट्रैक्ट किसी भी कीमत पर चाहिए था, पर मुझे नहीं लगा इस बार आपको वो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा। मुझे शक हुआ वो लोग हमारी कंपनी का टेंडर कोड जान जाएंगे, और वही हुआ। किसी अपने ने ही गद्दारी की है। हमारी ही कंपनी से? किसने? पता नहीं, होगा कोई पैसों का भूखा। वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट तो मिल गया ना। यही तुम्हारी काबिलियत है हर्षा, तुम चाहो तो क्या क्या नहीं कर सकते। बिना ऑफिस आए तुमने इतना सब कुछ कर दिया। जरा सोचो, अगर तुम बॉस होते तो न जाने क्या करते। अभी भी सोच लो हर्षा। मुझे थोड़ा वक्त दीजिए, मैं कहीं जाकर घूम के आना चाहता हूं। टेक योर टाइम, इस दुनिया में तुम्हें जहां जाना है वहां जाओ, एंजॉय, रिलैक्स। लेकिन आने के बाद आई एम रेडी, बस इतना ही सुनना चाहता हूं। हाय हर्ष, गुड जॉब, वेल डन। अगर घर पर सबको पता चला कि तू गद्दार है तो क्या पीतेगी? सबके रिश्ते प्यार सब कुछ बिखर जाएगा। डोंट प्ले विद द फैमिली। क्या चाहिए तुझे? बॉस बनना है क्या? ऐसी बेहुदा हरकतों से नहीं बन पाएगा। यू हैव टू अर्न इट कार्तिक। कल तक लग रहा था वो कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगा। उसी के फैमिली से एक को खरीद कर उनसे कम रेट का टेंडर डाला था हमने। फिर हमें वो टेंडर क्यों नहीं मिला? उसका एक बेटा भी है भाई। आ? जैसे हमने उसके ऑफिस जाकर उसके बाप को धमकी दी थी, वैसे ही उसने हमारे बड़े भैया को धमकी दी है। बड़े भैया ने मुझसे कहा था कि ये मैटर मुझे हैंडल करना है। हम उसे मारने भी गए थे, लेकिन क्या आदमी है भाई वो। एक एक को चुन चुन कर बहुत स्टाइल से मारा उसने भाई, और बहुत होशियारी से कॉन्ट्रैक्ट का दूसरा टेंडर उसने भरा था। ए! मुझे उससे मिलना है अभी और इसी वक्त। चल चल चल, जल्दी चल। चल चल चल, जल्दी चल। हाँ चाचू। यहाँ हमारे गांव से दो कौए कांव कांव चिल्लाते हुए हैदराबाद आ रहे हैं। हमारे काले धंधे का कच्चा चिट्ठा खोलकर वो हम पर केस ठोकना चाहते हैं। शहर में पहुंचने से पहले ही उन दोनों कौओं का टेटवा दबा देना। हम
हमारी फैमिली की पूरी जानकारी निकाली है ना तुम लोगों ने। आज तक मुझे भी नहीं पता कि हमारे पास कितने पैसे हैं। तेरे हिसाब से कितने होंगे रे? बहुत पैसा है, गरीबों से लूटा हुआ। बता तुझे किस तरह मारूं? हेलो, रास्ते के बीच गाड़ियां लगाकर गप्पे मार रहे हो, हटाओ। बोल बे, जल्दी हटाओ, जाना है। तू यहां कैसे बे? भाई भाई यही है वो, यही है। हमेशा लड़ते झगड़ते रहोगे क्या? कोई और काम नहीं है? यही दिल्ली गया था भाई, हमारी पिटाई इसी ने की, ये वही है भाई। एक ही जगह पर दोनों शिकार एक साथ, मजा आएगा। तो तू है मिनिस्टर का बेटा, दिल्ली जाकर तेरे बाप को समझाने की कोशिश की थी मैंने, फिर भी उसने इन गधों को भेजा। इन्हें भी एक बार समझाया था, पर लगता है एक एक को सेपरेटली समझाना पड़ेगा। कुछ जरूरी काम से मुझे गांव जाना है, इज्जत से अपनी अपनी गाड़ियां हटा लो। गाड़ी छोड़, तुझे इस दुनिया से हटाऊंगा। बस मैं सब रुके हुए हैं, तुम सबको जल्दी निपटाना पड़ेगा। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अपने बाप को समझा दे, वरना उसका भी यही हाल करूंगा। ए चल गाड़ी निकाल। चलो चलो, उतरो उतरो उतरो, चलो साइकिल उतारो। हाँ चलो चलो, देवरकोट जाने का रास्ता बताएंगे? यहाँ से सीधा जाओ और बाएं मुड़ जाओ। देवरकोट में क्या काम है? बहुत काम है, लगता है अब तेरे हिसाब में गड़बड़ होगी। सही कहा, हमेशा गांव से लोगों को जाते हुए देखा है, कितने दिनों बाद आज पहली बार किसी को गांव में आते हुए देखा। ऐसे ही लोग अगर गांव में आते रहे तो मेरे दिल को बहुत सुकून मिलेगा। हे देश ये तेरा है
धर दिए तेरी है साथ दे रही गले से लगा ये धरती तेरी माता अपनी बुलाए तुझे गले से लगा सुनहरी राहें बिछा दी है सपने को दे आकार बड़ा ये मौका है गवाना नहीं तू कदम बढ़ा बड़े दिल वाला तू 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 बड़े दिल वाला क्या हुआ बेटा चक्कर आकर गिर गई थी तो इस लड़के ने आकर मेरी मदद की है बहुत बहुत शुक्रिया इतनी दूर पानी लाने के लिए घर का कोई आदमी क्यों नहीं जाता इस घर का इकलौता मर्द मैं ही हूँ साहब मेरा एक बेटा फौज में शहीद हो गया सरकार की तरफ से जो पैसे मिले उससे ये जमीन खरीदी हमने अब इसी से हमारी गुजर बसर होती है इन हालातों में जीना बहुत मुश्किल है साहब सुनिए सुनिए बेटा कौन है आप यहाँ किसी काम से आया हूँ कहाँ रहूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा यहाँ आसपास कोई लॉज वगैरह है ऐसे इलाके में तुम्हें लॉज कहाँ मिलेगा बेटा इस गांव में नारायण राव नाम का एक आदमी रहता है बड़ा ही नेक दिल आदमी है बाहर से जो आता है वो उसे अपने घर में रख लेता है मैं तुम्हें वहाँ ले चलता हूँ बेटा सुनो ये दो बोरियां उस तरफ और दो बोरियां इस तरफ रख दो हाँ ठीक है सुबह राजू का फोन आया था लड़के वालों को दिखाने के लिए बिटिया की कुछ तस्वीरें चाहिए हाँ, वहाँ अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं पर मुझे तो आज खेतों में दवाई डालने जाना है हाँ हाँ जैसे तुम्हारा बहुत बड़ा खेत है तुम्हारे खेतों में सोना उगता है क्या तुम अपनी ये बकवास बंद करोगी देखो मेरी बात सुनो खेत का काम मैं संभाल लूंगा तुम बच्ची को लेकर आराम से शहर जाओ नारायण राव ये लड़का गांव में कुछ काम से आया था जगह ना मिलने पर मंदिर के बाहर सो गया था ये नारायण राव जी हैं। तुम कौन हो बेटा और इस गांव में क्या काम है मेरा नाम हर्षवर्धन है मैं कुछ गांवों पर रिसर्च कर रहा हूँ कुछ दिन यहीं रहकर इस गांव के बारे में जानना चाहता हूँ यहाँ बस खंडर है और वही घिसे पिटे लोग इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा तुम जैसे लोगों के रहने के लिए इस गांव में सुविधाएं नहीं है बेटा अगर तुम चाहो तो हमारे साथ रह सकते हो सुना है इस घर में कोई नहीं रहता अगर दिक्कत ना हो तो मैं यहीं रह जाऊँ उस घर की सफाई सालों से नहीं हुई है तुम वहाँ नहीं रह पाओगे तुम यहीं रहो बेटा वहाँ रहूंगा तो अच्छा होगा देखो घर की सफाई करवा दो और इन्हें जो चाहिए वो दे ठीक है भैया जाओ बेटा जाओ सुनो बेटा खाने के लिए हमारे घर आ जाना जैसा आप कहें चलिए ये भैया के करीबी दोस्त का घर है वो 25 साल पहले शहर जाकर वहीं बस गया तब से यह घर खाली पड़ा है आप उस कमरे में रह सकते हैं अगर कुछ भी चाहिए हो तो मुझे बता देना जी जरूर हाँ हमारा एक दूर का रिश्तेदार है वो नालायक है और यहीं रहता है अगर आपको थोड़ा भी तंग किया तो आकर मुझे बता देना चलिए चलता हूँ अच्छा तो तुम मेरे साथ इस घर को शेयर करने वाले हो आई एम राजा रत्नम उन्होंने तो कुछ और ही कहा था मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि उन्होंने मेरे बारे में क्या कहा होगा जानते हो मैं क्या काम करता हूँ आप ही बताइए क्या काम करते हैं आप जीने के लिए काम करना जरूरी है क्या मैंने तो ऐसे ही पूछा हाँ फैमिली नहीं है फैमिली नहीं तो क्या बेकार हूँ मैं नालायक बोलकर इज्जत का कचरा कर दिया पहले जाकर उससे निपटता हूँ सुना है कि वो ZPTC का मेंबर हमारे खिलाफ अनाप शनाप बक रहा है मुहूर्त देखकर अपने पेड़ों के बीच घसीट कर लाना उसे हाँ बोलिए भैया हमारी पॉलिटिकल सिचुएशन बिल्कुल भी ठीक नहीं है हमारी वजह से जिले में बहुत सारी दिक्कतें आ रही है जिससे हाई कमांड भी मुझसे नाराज है अगर ऐसा ही चलता रहा तो मेरी कुर्सी मुझसे छिन जाएगी अगले चुनाव में भी कोई उम्मीद नजर नहीं आती इस हालात को सुधारने के लिए हमें कोई न कोई नेक काम करना ही होगा समझे नेक काम करने की कोई जरूरत नहीं है भैया कोई क्या उखाड़ लेगा ऐसे टाइम पर रिस्क नहीं लेते
अब लगता है मुझे ही कुछ करना होगा। भाई साहब बौखला गए, कुछ करने के लिए कह रहे हैं। नहीं करूंगा, जो भी होगा देख लेंगे। आने वाले एक महीने के अंदर गर्मी और बढ़ जाएगी और मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता कि स्कूल की मरम्मत तब तक हो पाएगी। मुझे भी ऐसा ही लग रहा है भाईजान। हमारे गांव के साथ साथ हमने आसपास के गांव से भी चंदा इकट्ठा किया है, शायद उससे कुछ मदद मिल जाए। बगल के गांव में गेहूं का गोदाम खाली है भैया, उन्हें पूछकर इस साल बच्चों की पढ़ाई वहीं करवाएं तो कैसा रहेगा। स्कूल की नई बिल्डिंग बनाने के लिए कितना खर्चा होगा? हमें पैसे नहीं चाहिए बेटा। देखो बेटा, तुम यहाँ कुछ स्टडी करने आए हो, इन सब की तो हमें पहले से आदत है, हम मिलजुल के सुलझा लेंगे इसे। अगर एक इंसान दूसरे इंसान की मदद ना करे तो एक ही समाज में रहने का क्या मतलब है? मैं जानता हूं बच्चों को पढ़ने में तकलीफ हो रही है, ये लीजिए। तुम इसी गांव में क्यों आए हो बेटा? कोई खास गांव नहीं सोचा था, बस कोई छोटा गांव ढूंढ रहा था। मेरा एक दोस्त है रमेश, शायद आपका रिश्तेदार है, उसने ये गांव बताया तो मैं आ गया। अब तक तुम्हें रमेश बाबू को बेवकूफ समझता आ रहा था, लेकिन रमेश बाबू को हमारी कितनी फिक्र है। उसे फोन करो और कहो कि जल्दी गांव आ जाए। ठीक है भैया। उसे देखे बहुत दिन हो गए हैं ना। क्या करूं, मेरे बिना वहाँ एक भी काम नहीं होता है। तुम ठीक तो हो ना रमेश बेटा? हाँ आंटी जी। मम्मी पापा ठीक है ना? हाँ जी ठीक है, मेरे होते हुए उन्हें तकलीफ हो भी नहीं सकती, उनका होनहार बेटा जो हूँ। वो सब तो ठीक है, तू अपना बता, तेरी शादी होगी कि नहीं? बहुत सारे रिश्ते आ रहे हैं आंटी, मुझे इरिटेशन होने लगती है, आखिर कोई लड़की बनी भी है जो मेरे लायक हो। अच्छा, पर तेरी माँ कह रही थी कि तुझे कोई लड़की पसंद ही नहीं करती, कह रही थी कि इस जन्म में तो मेरी लड़की की शादी हो ही नहीं सकती। जोक जोक। अरे रमेश। अरे वाह, तू आ गया। कैसे आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कितना छोटा था तू और कितना बड़ा हो गया, तुझे देखकर मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। कितनी फिक्र है तुझे हमारे गांव की, तुम्हारा दोस्त हमारे गांव की मदद कर रहा है और ये सब तुम्हारी बदौलत है बेटा। मेरा दोस्त? और नहीं तो क्या, तुम उसे नहीं जानते? अरे मैं उसे कैसे नहीं जानूंगा, मैंने ही तो भेजा था। वैसे कहाँ है वो? बगल वाले घर में। मैं मिल के आता हूँ जरा। हर्ष, तू यहाँ कैसे? तेरे घर वालों ने कहा तू हॉलीडे पे गया, पर तू मेरे गाँव में? ये मेरा भी गाँव है। तुम्हारा गाँव? मुझे आज तक क्यों नहीं बताया? मुझे भी हाल ही में पता चला, मेरा परिवार गांव छोड़कर शहर चला गया, इसीलिए गांव के लिए कुछ करने आया। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं कौन हूं तो शायद मुझे गलत समझेंगे, इसीलिए तेरा नाम लिया। अरे भाई, ये तो बहुत ही अच्छा हो गया। एक्चुअली मैं चारू को पटाने की कोशिश कर रहा था लेकिन पटी नहीं रही थी, तेरी वजह से मैं उनकी फैमिली के सामने हीरो बन जाऊंगा और इसी मौके का फायदा उठाकर चारू को अपना बना लूंगा। शाबाश नारायण। मेरे लाख मना करने के बावजूद तुम चट्टान की तरह डटे रहे और अब स्कूल बना रहे हो। इतना सब कुछ करना मेरे बस की बात नहीं है मालिक, ये सब तो इसकी बदौलत हुआ है। इसने हमसे कहा कि अपने पैसे से यहाँ पर स्कूल बनवाएगा। कौन हो तुम? हर्षवर्धन। और आप? शशि। इतना बड़ा स्कूल बनवाने जा रहे हो, लगता है बहुत पैसे हैं तुम्हारे पास। बहुत ज्यादा है। लेकिन इसी गांव में क्यों? कुछ अच्छा होता है तो खुश होना चाहिए, ऐसे सवाल नहीं पूछने चाहिए। तो स्कूल बनवा रहे हो, बाद में ये कहेंगे कि हमें ये चाहिए हमें वो चाहिए, तब क्या करोगे तुम? क्या चाहिए? स्कूल चाहिए, पक्का घर, सड़क चाहिए या पानी, सब दे दूंगा। दिलचस्प लग रहे हो, वक्त मिले तो घर आना, आराम से बातें करेंगे। अब तो यही हूं,
आता रहूंगा। कौन है ये लड़का और ये सब क्यों कर रहा है? मुझे पूरी खबर चाहिए। करने दो ना भाई, वैसे भी बड़े भैया ने कुछ करने को कहा था। काम ये करेगा और इसका सारा फायदा हमें होगा भाई। बेटा इतना कुछ कर रहे हो तो थोड़ा सड़कों के बारे में भी तो सोचो, वो बहुत खराब हो चुकी हैं। अब तो हम उस पे चल भी नहीं पा रहे हैं। ए, चुप रहो भाईजान, इतना बेलालच किस काम का? इसकी बात का बुरा मत मानना बेटा, ये मायूस है। एक उम्मीद की किरण क्या देखी, ये बेचारा खुद पर काबू नहीं रख पाया। तो इसमें गलत क्या है, सड़क बनवा देंगे। ये क्या कर रहे हो, अगर ऐसा करते जाओगे तो यहाँ एक नहीं हजारों समस्याएं हैं। मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरी एक करीबी दोस्त ने एक बात कही थी, अगर हमारे पास जरूरत से ज्यादा है तो किसी को गोद ले लेना चाहिए, लेकिन मेरे पास तो इतना ज्यादा है कि सिर्फ एक दो को नहीं पूरे गांव को गोद ले सकता हूं। आज से मैं इस पूरे गांव को गोद लेने वाला हूं। बेजान पड़े इस गांव को हंसी खुशी और हरियाली से बांधूंगा। चारो, तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ या फिर जाओगी? ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। एक हफ्ते के अंदर मुझे एक छोटी सी टीम बनाकर यहाँ पर थोड़े थोड़े डेवलपमेंट टेक्निक्स ट्राई करने हैं। लेकिन सुबह जब मैं आ रही थी तब मैंने देखा मुझे कोर्स में सिखाए गए कई सारे डेवलपमेंट प्रोग्राम्स यहाँ पर पहले से ही हो रहे हैं। मैं तो हैरान रह गई। मुझे लगता था कि अभी तक हमारे गांव में 1% भी डेवलपमेंट नहीं हुआ होगा, लेकिन सिर्फ 3 महीने में ये सब कैसे हुआ? बरसों से हम गांव वालों की तकलीफों को देखकर उस ऊपर वाले को हम पर दया आ ही गई होगी। एक महान व्यक्ति ने हमारे इस गांव को अपना लिया है बेटा। इस गांव के साथ साथ हमारे नसीब को भी बदलने के लिए वो लड़का दिन रात सुबह शाम मेहनत कर रहा है। अजी सुनते हो, खाना लग गया, आ जाइए। हाँ Thank you.
बैठो बैठो। हाँ, आओ बैठो। इन्हें भी दो। जी पिताजी। ये मेरी बेटी है, ये वही लड़का है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये हमारे रमेश राव का खास दोस्त है। ये दोनों भी एक दूसरे को जानते हैं। तुम दोनों को बर्थडे पार्टी में बुलाया तो था। अरे मैंने मिलवाया भी तो था, इतनी जल्दी भूल गए। ये बर्थडे वर्थडे छोड़ो और अपनी शादी के बारे में सोचो। ठीक है आंटी जी, अब बस भी करिए। मैं हमेशा इस गांव के लिए कुछ करना चाहता था। हाँ? और इसीलिए मैंने अपने दोस्त को मोटिवेट किया। इमोशनल होने की जरूरत नहीं है, मुझे पसंद नहीं है, आखिर हम दोनों का एक ही गांव है। सेम सेम विलेजेस। तुम जाके आराम से सो जाओ। हाँ, इमोशनल मत हो ना। स्लीप टाइट एंड गुड नाइट। ये सब क्या हो रहा है, यहाँ क्यों आए हो तुम? ये मेरा गांव है। ओह, मेरे बताने से पहले तुम्हें अपने गांव का नाम तक नहीं पता था, अब अचानक अपने गांव से तुम्हें इतना प्यार होने लगा? देखो, तुम्हें और तुम्हारी फैमिली को हर चीज बिजनेस लगती है। पहले तुमने मेरे साथ प्यार का नाटक किया, अब यहाँ आकर मेरी फैमिली के साथ नाटक कर रहे हो। तुम जानते हो उन्हें इस गांव से लगाव है, इसीलिए यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। तुम्हारी इस घटिया हरकत से वो इम्प्रेस हो जाए और मेरी शादी तुमसे करा दे, यही चाहते हो ना? लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इस गांव पर किया हुआ सारा खर्च तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, जस्ट लीव एज सून एज पॉसिबल और आइंदा यहाँ पर कभी मत आना। मैं क्या सुन रहा हूँ हर्ष, तेरे और चारू के बीच लव अफेयर चल रहा है? वो लड़की तेरे टाइप की नहीं है। हाँ, तुम दोनों तो एक ही टाइप के हो ना, टाइपिस्ट और कंप्यूटर जैसे। देखा तुमने, इन दोनों का चक्कर चल रहा है और मैं कुत्ते की तरह उसके पीछे घूम रहा था। हे, एक बात बता, चारू तुझसे प्यार कैसे कर सकती है? आईने में अपना थोपड़ा देखा है क्या? स्टूपिड फेलो। हर्ष बेटा, आपका काम हो जाए तो आप सो जाइए, मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ। ये अब रोना बंद कर, चल चल बस करो। देखा तुमने, मैंने कहा था ना तुमसे, थोड़ी और देर रखती तो हाथ लाल हो जाता। अब रंग ऐसा चढ़ा है ना, तो पति भी वैसा मिलेगा, एकदम बेकार। ए, क्या कर रहा है तू? तेरी टांगे पकड़ के कुएं में फेंक देगी और खुद उसमें कूद कर तुझे मार डालेगी, उससे पंगा मत ले। चल ठीक से हाथ धो। धो लिया ना? ले धो ले। अरे चारू दिखा दो। अरे वाह, कितना अच्छा रंग चढ़ा है, तुझे तो बहुत अच्छा पति मिलेगा। मुझे गोरे लड़के बिल्कुल पसंद नहीं है, सांवले लोग ही अच्छे लगते हैं मुझे। काला हुआ तो भी चलेगा, लेकिन गोरा लड़का तो बिल्कुल भी नहीं। कल जो कुछ भी हुआ चारू को पता नहीं, लेकिन एक बात पक्की है कि तुम उसे पसंद नहीं। उसकी बातों से मुझे समझ आ गया है। देखो चारू, जब मेरी हो जाएगी तब भी हमारी फ्रेंडशिप बरकरार रहनी चाहिए। आई बेग यू। जैसा तुम कहो। अब फिल्म में हीरोइन को हीरो के बारे में गलत फहमी हो गई चारू। आजकल की लड़कियां बहुत जल्दी में रहती है, मुझे भूल जाओ यही कहती रही, लेकिन आखिर में अपनी गलती का एहसास हो गया उसे और चिपक गई हीरो से। ठंड बढ़ती जा रही है, एक काम करो ये ले लो तुम। ये फिल्मी पना मेरे सामने मत करो, ठीक है? दांत तोड़ दूंगी मैं तुम्हारे, चुपचाप चलते रहो। हर्ष चला, तुम लोग जाओ, मैं 10 मिनट में आता हूँ। ठीक है। ये क्या है? देसी है, तेरे को भी दूं क्या? मैं गांव को साफ कर रहा हूं और तू उन्हें जहर पिला रहा है। निकल यहां से। नहीं जाऊंगा। ये शशि भाई का ठेका है। इधर आ। मैंने पूछा ये क्या है, किसका है? नहीं पूछा। जिंदा रहना है कि नहीं तुझे? मैं सवाल पूछ रहा हूं तो जवाब देना, नशा करना मना है। चल। ए! शशि भाई के आदमियों से पंगा लिया तूने, अब तू नहीं बचेगा। बेटा, ये तुमने क्या किया? वो शशि के आदमियों से झगड़ा मोल लिया? वो लोग सड़क पर गंदा काम कर रहे थे तो मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की। वो लोग समझने वालों में से नहीं है बेटा। 25 साल पहले रवि नाम का एक लड़का था, वो भी तुम्हारी तरह नेक ही था।
इसी गांव में रहता था, इसी घर में रहता था। इस गांव के लिए वह कुछ अच्छा करना चाहता था। उसके सर पर जुनून सवार था। जब से हमने होश संभाला है तब से यहाँ आस पास में कई ऐसे गांव हैं जिनकी तरक्की कभी नहीं हुई। उन गांव की तरक्की के लिए वो बेचारा बाहर गया, मेहनत से पढ़ाई की और एक बढ़िया नौकरी हासिल कर ली। रवि ने इस गांव की हालत देखकर विचलित हो गया था। वो रोज एक गांव घूमकर आ रहे हो रवि, आखिर तुम्हारा इरादा क्या है? मैं किसी भी शहर में जाकर काम करके तरक्की कर सकता हूँ, लेकिन हमारे साथ साथ हमारे गांव की भी तरक्की होनी बहुत जरूरी है। यहीं रहकर इस गांव के लिए कुछ करने की बहुत इच्छा है मुझे। हम खेती बाड़ी करना चाहते थे पर ठीक से यहाँ बारिश भी नहीं होती थी। इस गांव का गुजारा करने के लिए कुछ न कुछ करना जरूरी था। तभी उसने एक दूध की डेयरी खोलने का फैसला किया, लेकिन विश्वनाथ राव के दारू के ठेके से लोग दारू पीकर धुत रहते थे। लोगों को बर्बाद होता देख रवि एक दिन विश्वनाथ राव को समझाने चला गया, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं हुआ। रवि तो बस इतना चाहता था कि लोग दारू का नशा छोड़ दें और गांव की उन्नति में हाथ बटाएं। उसने लोगों को बहुत समझाया कि गांव की तरक्की होगी तो लोगों की जिंदगी में कितने बदलाव आएंगे, और रवि की मेहनत रंग लाने लगी। गांव में बहुत बदलाव आए, गांव तरक्की की ओर बढ़ने लगा। रवि ने हमारे सारे ठेके बंद करवा दिए, गांव में सब लोग हंसी खुशी काम पर जा रहे हैं और वो हीरो बन गया। ऐसा ही चलता रहा तो वो सबका लीडर बन जाएगा। उसे रोकना होगा, किसी भी तरह रोकना होगा। शशि, हजारों ख्वाब देखे थे हमने, नई रोशनी का इंतजार था हमें, लेकिन अचानक सबकी जिंदगियों में अंधेरा छा गया। ये क्या किया तूने? पहले हम खुशी से जी तो नहीं पा रहे थे, पर अब किसके लिए जिएंगे? अब तो खुश है ना तू? क्यों किया तूने ऐसे? सब कुछ जल कर राख हो गया। चले जा यहाँ से, हमें अपने हाल में छोड़ दे। उस वक्त हुए हादसे को लेकर गांव वालों ने हमारे रवि पर बहुत सारे इल्जाम लगाए। पूरा गांव गलतफहमी के अंधेरे में खो गया। डेयरी में मरने वाले लोगों का इल्जाम रवि के सर मढ़ दिया गया। पुलिस वालों ने रवि की एक बात नहीं सुनी और रवि को गिरफ्तार कर लिया। हमारे रवि को जेल हो गई। रवि जेल से बाहर तो आ गया, लेकिन उसका दिल पत्थर सा बन गया। इस हादसे की वजह से उसने गांव और हम सब से रिश्ता तोड़ लिया और हमेशा हमेशा के लिए हम सब से दूर चला गया। उसके जाने के बाद ये गांव अंधेरे में ही जी रहा है बेटा। इस गांव वालों की सारी उम्मीदें मर चुकी हैं, लेकिन जब से तुमने इस गांव में अपने कदम रखे हैं सब कुछ बदल सा गया है। तुमसे बहुत उम्मीदें हैं। गांव वालों की उम्मीदों पर पानी मत फेरो। मेरी बात सुनो बेटा, अगर तुम्हें कभी कुछ हो गया तो हम गांव वाले तो जीते जी ही मर जाएंगे बेटा। बहुत देर हो चुकी है बेटा, जाओ सो जाओ। हेलो। हाय माँ। कैसे हो तुम बेटा? मैं ठीक हूँ। वैसे कहाँ से कॉल कर रहे हो तुम? पापा हैं घर में। हाँ यही है, उनसे बात करोगे? एक मिनट सुनिए, हर्ष है। हर्षा कैसे हो? डिस्टर्ब तो नहीं किया ना? ऐसा कुछ नहीं बेटा, तुमने मुझे कॉल किया। You know how much it means to me. अब holidays कैसे चल रहे हैं? Are you enjoying yourself? बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आप दोनों यहाँ होते तो और भी अच्छा लगता। अब हाँ क्यों नहीं, तुम्हारे आने के बाद प्लान करेंगे। When are you coming back?
हर्षा, आवाज नहीं आ रही बेटा। बाद में कॉल करता हूँ। हॉलिडे पर जाना हमारे साथ। उसने अपने आदमियों से पंगा लिया भाई, उसको छोड़ना नहीं। ए, वो पागलों की तरह अपने पैसे गांव पर बर्बाद कर रहा है, और तूने कहा था कि वो जो भी करेगा उससे हमें फायदा होगा। खैर छोड़। ए, वो डंबल दे मुझे। आउटडोर जिम तो सही है बॉस। यार एक सेल्फी लेते हैं। फिटनेस अवेयरनेस होनी चाहिए। कल तूने मेरे आदमियों से झगड़ा किया ना? जानता है ना ये मेरे आदमी है? इन्होंने आपका नाम बताया ना? तुम्हारा नसीब अच्छा है, रात को बच गए। अगर हाथ में आ जाते तो पता नहीं कितने टुकड़े करता है। तेरा नसीब अच्छा है जो इन लोगों ने आकर मुझे बताया। अगर ये लोग चाहते ना तो वहीं तेरा गेम बजा देते। जरा इन लोगों के डोले शोले तो देख, तुझे मसल के रख देंगे। मैं भी तो वही चाहता। भाई फोन। हाँ भैया। शशि, मुझे मिनिस्टर के पोस्ट से हटा दिया। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन कुछ नहीं हुआ। मैं यहां से गांव के लिए निकल रहा हूं, देखते हैं क्या करना है। ओए, हम जल्द मिलेंगे। तुम्हारी तकदीर बनकर सही वक्त पर फोन आ गया। लकी बॉय। देखो कल हम कलेक्टर से मिलने जाएंगे बेटा। स्वाति और... के लिए अच्छे अच्छे रिश्ते आ रहे हैं, लेकिन चारू से पहले इसकी शादी नहीं कर सकते हैं ना। रिश्ता ढूंढ लीजिए। ये लो बेटा। नहीं चाहिए। मुझे कोई बात नहीं। रिश्ता ढूंढने के लिए तुमने दो चार लोगों से कह दिया है ना? हाँ। लेकिन मुझे नहीं लगता कि चारों इस गांव को छोड़कर कहीं और जाएगी। किसी अनजान के घर जाएगी तो उसे मुश्किल होगी। तो किसी पहचान वाले से करवा दीजिए। चारू से रमेश बहुत प्यार करता है और आप इसे अच्छी तरह जानते भी हैं। रमेश राव, जो हर्ष कह रहा है क्या वो सही है? चारू, हाँ? जरा इधर तो आना। आज बातों बातों में मुझे पता चला है कि रमेश राव तुम्हें बहुत पसंद करता है। अच्छी बात यह है कि तुम दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते हो। अब तो ये काम धाम भी करने लगा है। तुम क्या कहती हो बेटा? एक नंबर का गधा है ये। समझ में नहीं आता तुझे? सोचा चिल्लाऊंगी तो तू नौटंकी करेगा, इसीलिए अवॉइड करती थी मैं, लेकिन तुझे बेइज्जत होना पसंद है। आपकी बात दिमाग में घुसने के लिए दिमाग होना चाहिए ना, जो मेरे पास है लेकिन इसके पास नहीं है। मैं इसे अंदर ले जाकर अच्छे से समझाता हूँ, आप जाकर सो जाइए। आइंदा अगर तू मेरे सामने आया या मेरे बारे में बात भी की, तेरी टांगे तोड़कर तेरे हाथ में रख दूंगी, समझे? तुम्हारा कॉन्फिडेंस देखकर मुझे लगा कि चारू भी तुम्हें पसंद करती है। सॉरी रमेश। तेरे साथ यही होना चाहिए था। चल अभी। सेंट्रल गवर्नमेंट इस पूरे इलाके को कोस्टल कॉरिडोर प्रोजेक्ट अनाउंस करके करोड़ों में खरीदने वाली है, और दो तीन महीनों के अंदर यह अनाउंस कर देंगे। अभी भी मेरे आदमी गवर्नमेंट में है और उन्हीं की वजह से मुझे ये अंदर की खबर मिली। अनाउंस होते ही जमीन के भाव बढ़ेंगे। ज्यादा से ज्यादा जमीन हमारी होनी चाहिए, कम से कम 5 से 6 हजार एकड़। किसानों को 10 या 20 हजार देकर उनकी जमीन हड़प लो। अगर किसी ने नाटक किया तो उसे काट कर फेंक दो। ऐसा मौका बार बार नहीं आता शशि। इस बार हमें लाखों करोड़ों बनाने हैं। भैया, कल ही मेरा बेटा शहर से आया। वो मुझे और अपनी मां को अपने साथ ले जाना चाहता है।
कल रात से उसकी माँ भी शहर जाने की जिद कर रही है। सच कहूँ तो आपको छोड़कर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं है। अगर आप उसे समझाएं तो शायद मान जाए। तू मेरा सगा छोटा भाई है सुरेश, मैं तुझे कुछ भी बोल सकता हूँ, लेकिन तेरी बीवी को कैसे समझाऊंगा? और अब तो तेरे बच्चे भी कितने बड़े हो गए हैं। मुझे लगता है सुरेश, तुम भी उनके साथ शहर चले जाओ, उन्हें अच्छा लगेगा। वैसे भी हम लोगों ने एक साथ बहुत वक्त बिताया है। और जाओगे तो कहां जाओगे? शहर ही जाओगे ना? जब भी मन करेगा आ जाऊंगा। माँ ये वाले कपड़े भी रख दो। शहर में ये पुराने कपड़ों की क्या जरूरत है? अरे मैं कुछ भूल रही हूँ क्या? ऐसे ही वहाँ चुपचाप क्या बैठे हुए हो? जाओ राजू की मदद करो। माँ उन तकियों को क्यों पैक कर रही हो? बेटा अगर घर पे मेहमान आएगा तो जरूरत पड़ेगी। माँ वहाँ पर सब कुछ है। सिर्फ कपड़े लेकर चलने के लिए कह रहा है? वहाँ इसके पास सब कुछ है। वहाँ जाने के बाद अगर कुछ यहाँ रह गया तो मैं तुम्हें खबर कर दूंगी, किसी के हाथ भिजवा देना। एक बार और ठीक से सोच लो ज्योति, आखिर हम वहाँ जाकर करेंगे क्या? ये तुम कैसा सवाल पूछ रहे हो? यहाँ रहकर हम क्या करेंगे? मिलकर रहेंगे सब। अपने खुद के गांव में आराम से रहिए। सच कहूं तो शहर जाने की खुशी के अलावा आप भी नहीं जानते आपको क्यों जाना है। इस उम्र में वहां जाकर कुछ नया नहीं देखने मिलेगा, बस चारों तरफ बड़ी बड़ी इमारतें होंगी। यहां से कुछ 4 घंटे ज्यादा बिजली मिलेगी, लेकिन आपको दूसरों की भलाई सोचने वाले 4 नए लोग नहीं मिलेंगे। आप इस घर में सब पर चिल्लाती हैं, सबकी टांग खींचती हैं, अच्छा लगता है। आपकी वजह से घर में रौनक है, लेकिन आपके वहां जाने के बाद ना आपको बोलने में मजा आएगा ना हम सबको सुनने में। घर से बाहर जाने के लिए बस अपना सूटकेस बांधकर आपको इस घर की दहलीज को लांघना होगा, लेकिन कभी अगर आपका वापस आने का मन किया तो दहलीज दीवार बन जाएगी। कोई गांव छोड़कर जाए तो नारायण जी बस स्टैंड तक जाकर उन्हें समझाते हैं, ऐसा मैंने सुना था। अगर उनका सगा भाई छोड़कर चला जाए तो कल से वो किसी को गांव में मुंह नहीं दिखा पाएंगे। शहर में सेटल होकर मां बाप की देखभाल करना चाहते हो, इट्स रियली नाइस, लेकिन उनके माता पिता समान भैया भाभी से उन्हें अलग कर रहे हो तुम। अगर ये लोग यही रहे तो हर वीकेंड आकर तुम इन्हें मिल सकते हो। रात को बस पकड़ो तो सुबह तुम यहां पहुंच जाओगे, लेकिन अगर वो तुम्हारे साथ आए तो यह तय है कि तुम साल में एक बार भी अपने गांव नहीं आओगे। दोनों भाई 40 सालों से एक साथ रहते आए हैं, 40 years, दैट्स रियली समथिंग। देखते देखते ये और 40 साल एक साथ रहेंगे, इन्हें जुदा मत करो, दिल टूट जाएगा। आपके परिवार के निजी मामले में दखल देने के लिए माफी चाहता हूं। 4 दिनों में आपने मुझे अपना बेटा मान लिया, बस सबको खुश देखना चाहता हूं। याद रखना दिवाली आ रही है, 3 दिन पहले ही आ जाना। हाँ ठीक है माँ, दिवाली हम सब मिलकर यही मनाएंगे। टेंशन मत लो, मैं तुम्हारी सेटिंग करता हूँ। हाँ ठीक है। हाँ ठीक है ना? हाँ ओके कंफर्म है। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? अरे तू उधर मत देख, मेरी बात सुन, इधर आ। पहले तुझे जाकर मार्केट से। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे? मुझे लगता है मुझे पूछ रही है। अरे अरे सुन बेवकूफ, वो तुझे नहीं बुला रही है। मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? अब आ जा, कहा था ना तुझसे। नहीं वो क्या है ना, मुझे गलतफहमी हो गई।
मैं जा रही हूँ सुमति दीदी के घर, कोई आएगा मेरे साथ? सुनो हर्ष, जब तक तुम नहीं जाओगे इसी तरह चिल्लाएगी, जाओ उसके साथ। सुमति दीदी कैसी हैं आप? ठीक हूँ, तुम कैसी हो? मैं ठीक हूँ। तुम्हारा कोर्स खत्म हुआ? हाँ खत्म हो गया। नमस्ते जी। नमस्ते। सब्जियों को नए तरीके से उगाने की टेक्निक सिखाने आई हूँ, आइए। और मुझे मेहंदी भी चाहिए सुमति दीदी, जिसे लगाते ही मेरे हाथ लाल हो जाए। मैं चाहती हूँ मेरा पति मुझसे बहुत प्यार करे। जितनी मेहंदी चाहिए उतनी ले लो। वैसे भी हम ये जगह खाली कर रहे हैं, कल हम गांव छोड़कर हमेशा के लिए शहर जा रहे हैं। लेकिन क्यों दीदी, वो भी अचानक? कल ही इस गांव में एक मिनिस्टर आया है, उन्हें ये पूरी जमीन चाहिए। हमारी लाख मना करने पर भी वो नहीं माने, उन्होंने पिताजी को भी पीटा। कहा कि हम कल आएंगे और कुछ पैसे देकर कागजात पर दस्तखत करवाएंगे, इसीलिए शहर जाकर वही कुछ न कुछ काम कर लेंगे। तुम्हें जो भी चाहिए ले जाना चारू। चल जल्दी इस पर दस्तखत कर। इनके पति मरने से पहले तुम्हारे साथ पले बढ़े होंगे, तुम शायद उन्हें अच्छी तरह जानते हो। वो ऐसे इंसान थे जो हमारे लिए सरहद पर शहीद हो गए। हम तो वैसे भी इनके लिए कुछ नहीं कर पाए, अब इन्हें सरकार से अपने पति के बदौलत कुछ पैसे मिल रहे हैं जीने के लिए। तुम इनका जीने का सहारा छीन कर किसी और को देना चाहते हो। निकलो, चल जल्दी कर, हमें जाना है। जरा बच्चों को अंदर ले जाएंगे। मैं यहाँ नया आया हूँ और मुझे इनके बारे में सुनकर दुख होता है। तू तो यहाँ सालों से रह रहा है, फिर भी तुझ में इंसानियत नहीं बची है। राय! मैं यही रहूंगा, जमीन भी यही रहेगी, हम कल भी बात कर सकते हैं। ये जिंदा है या नहीं पता नहीं, बिल्कुल हिल नहीं रहा है, पहले इसे किसी डॉक्टर के पास ले जा। कौन है वो? इस गांव में हमारे आदमी को मारने की हिम्मत किसमें है? गांव में एक लड़का आया है, इस गांव को अपनाकर खुद को हीरो समझ रहा है। गांव में सारे बदलाव उसी की वजह से हैं। लगा था वो एक पैसे वाला सिर फेरा है, पता नहीं था कि एक दिन हमारे लिए खतरा बन जाएगा। दिमाग खराब हो गया है? कोई लड़का इस गांव में आकर तुम्हारे ही सामने सब कुछ करता जा रहा है और तुम तमाशा देख रहे हो? वो जहां भी हो उसे तुरंत पकड़कर यहां लाओ, मैं सबक सिखाऊंगा उसे। हर्ष बेटा, हर्ष, शशि तुम्हें ढूंढते हुए यहाँ आया था, वो मुझसे कह के गया है कि वो तुमसे तुरंत मिलना चाहता है। वो लोग चारू को उठाकर ले गए हैं, जल्दी कुछ करो हर्ष। चारू को कुछ नहीं होगा, हम उसके पास जाके उसके पांव पड़ेंगे, उसके सामने गिड़गिड़ाएंगे, उससे माफी मांगेंगे, वो तरस खाकर चारू को छोड़ देगा। लेकिन तुम वहां मत जाना बेटा, तुम्हारी जान को बहुत खतरा है। मेरी बात मानो, अपना सामान बांधकर इस गांव से कहीं और चले जाओ।
का? यही है वो। ये दुनिया बहुत छोटी है, दोबारा मुलाकात हो ही गई। कैसे हैं आप? मुझसे बात करने के लिए चारू को लाने की क्या जरूरत थी? मुझसे कहते तो मैं खुद आ जाता। तुम घर जाओ चारू, मैं इनसे बात करके आता हूं। यहीं रुकने दो उसे, यहां जो भी हो रहा उसे भी तो देखने दो, फिर गांव में जाकर बताएगी ना सबको। तो ठीक है, रुक जाओ चारू, दोनों साथ में ही चलेंगे। यूं आए और बात की और चल दिए। ये दिल्ली नहीं है बेटा, ये देवरकोटा है। यहां से हम जिसे चाहे ऊपर पहुंचा सकते हैं। यहां सिर्फ आने का रास्ता है, जाने का नहीं है। हाँ तो सुना है तुमने इस गांव को अपना कर अपना काफी पैसा बर्बाद किया है। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन हमसे पंगा क्यों ले रहे हो? गांव को अडॉप्ट करना मतलब चार पैसों से सड़क ठीक करके यहां से निकलना नहीं होता। यहां होने वाली अच्छाई के साथ यहां की बुराई को भी अडॉप्ट कर लिया मैंने। इसे, उसे, उसे और इसे, इन सब को, तुझे भी और तेरे इस भाई को भी, सबको अडॉप्ट कर लिया मैंने। तो जमीन हड़पने नहीं देगा तू हमें? मैं तो तुम्हारे काले धन का हिसाब लगाने यहां आया था। लिख कर लाया, कहीं गलती से कुछ भूल ना जाओ। जिले में 43 हाई स्कूल के मरम्मत करने का फंड हजम कर गया, वापस करो। 72 सड़कें सैंक्शन हुई हैं, उन सब के पैसे तुम खा चुके हो। रिलीफ फंड में मिला 350 करोड़ रुपया, वापस करो। कुछ साल पहले डेयरी स्कैम में तुमने 20 लोगों को जलाया और इसके अलावा 23 लोगों की जान ली, चाहे इंसान हो या जानवर। उन सब के परिवारों को पैसे देने होंगे। 11 गांव की खेती के लिए बनाया गया तालाब भी तुमने हड़प लिया है, शर्म नहीं आती तुम्हें? सबको एक एक पाई लौटानी होगी। नहीं लौटाया तो जिंदा गाड़ दूंगा सबको। लौटानी होगी। तुम लौटाओगे, दिल्ली में मैंने तुझे शराफत से समझाया था, ये देवरकोटा है और देवरकोटा मेरा अपना गांव है। यहां मार दूंगा तो कोई पूछने भी नहीं आएगा। चलो चारू। ए, बहुत हड़प लिया तुमने इस गांव से, सब वापस करो।
वरना लाशें भी नहीं मिलेंगी तुम्हारी। अगर उसे पहले ही मार देते तो आज ये दिन नहीं देखना पड़ता। दिल्ली में मेरे ही घर आकर मुझे ही धमकी दे गया वो। अगर ये बात तुझे पहले ही बता देता तो ये सब न होता। अब वो यहीं पर है, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे, हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं। थोड़ा दिमाग लगाओ, किसी भी तरह ढूंढो उसे और जाकर उसका टुकड़े कर दो। वो मुझे पहले भी मिला था पापा, चाचा ने मुझे दो रिपोर्टर्स को मारने के लिए भेजा था, वो भी था वहां पर। मुझे पीट कर वो उन दोनों को बचा कर ले गया, और सच कहूं तो आपके मिनिस्टर की पोस्ट जाने की वजह भी वही है। हजारों करोड़ों का मालिक रविकांत का बेटा है वो। रविकांत का बेटा? भाई मेरे को तो अभी उससे बहुत डर लगने लगा है। आज शाम को वो तालाब के पास जाने वाला है ताकि तालाब का पानी गांव वालों के खेतों तक पहुंचा सके। हेलो, क्या हाल है रवि? कौन बोल रहा है? विश्वनाथ राव। इस गांव को छोड़ कर क्या गए? तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए, पर ये मत भूलना गांव छोड़ने की वजह हम ही तो थे। तुमने बेहिसाब दौलत कमाई और उसी दौलत को लुटाने के लिए अपने बेटे को यहाँ भेज दिया। हम तो तुम्हें खतरा समझते थे, लेकिन तुम्हारा बेटा तो तुमसे भी बड़ा खतरा बन गया। तुझे इस गांव से भगा दिया वो तो ठीक था, लेकिन तुम्हारे बेटे को इस दुनिया से भगाना होगा। उसकी लाश लेने के लिए आ जाना। विश्वनाथ राव,
उससे दवाई टाइम पे दे देना, ठीक है? ओके डॉक्टर। डॉक्टर। यस। हर्ष को कुछ भी करके बचा लीजिए। He is my life. Please, doctor. We are doing our best. Don't worry. मैं हर्ष के बिना नहीं जी सकती बाप। मैं उसे जान से भी ज्यादा प्यार करती हूँ। तुम ये कह रही हो कि तुम हर्ष को पहले से जानती हो? जानती हूँ। हम कॉलेज में ही मिले थे। हम एक दूसरे के बिना नहीं जी सकते। जब मुझे पता चला कि वो हमारे गांव के रविकांत जी का बेटा है, तो मैं उनसे दूर होने लगी माँ। वो मुझे बिना बताए यहाँ पर आ गया माँ। उसे यहाँ पर देखकर मुझे लगा कि वो मेरे लिए आया है, इसलिए मैं उसे और दूर होने लगी। लेकिन वो मेरे लिए नहीं, इस गांव के लिए यहाँ पर आया था। वो अच्छा लड़का है पापा, आपसे, मुझसे, इस गांव से भी अच्छा है, बहुत अच्छा है। Excuse me. मैं हूं डॉक्टर गणेश। इन्हें दो जगह स्टैब किया गया है, काफी ब्लड लॉस भी हुआ है। हमने सर्जरी की, नाउ इज ऑल राइट। इस हॉस्पिटल को इन्होंने अपनी देखरेख में बनवाया है। आई फेल्ट वेरी हैप्पी फॉर व्हाट ही वॉज डूइंग। इन्हें इस हालत में देखकर मुझे बुरा लग रहा है। आई एम सॉरी सर। गांव नहीं बदला, तुम लोग नहीं बदले, बस सब के सब जिंदा हो, ऐसे ही जियो सकते। एक ही बेटा, इकलौता बेटा मेरा, कम से कम उसे तो छोड़ दो। अरे क्या है इस गांव में, बस अपना गांव, अपनी जमीन, बस इतना ही है ना, यही भरोसा। दो वक्त की रोटी के लिए बस इसीलिए सब कुछ चल रहा है ना। वो चला जाएगा तो तुम सबका क्या होगा, यही सोच रहे हो ना? तो सुनो, जिंदगी भर जब तक तुम सब जिंदा रहोगे, मैं तुम सबकी सारी जरूरतें पूरी करूंगा। अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं मैं हाथ जोड़ता हूं, मेरे बेटे को बख्श दो। मैं तुम सबसे अपने बेटे की भीख मांगता हूं, प्लीज। सुना है वो तुम्हारी वजह से इस गांव में आया है और तुम एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो सके तो इस गांव को छोड़कर हमारे साथ आ जाओ बेटा, क्योंकि आइंदा वो इस गांव में कभी वापस नहीं आएगा। मुझे कुछ नहीं हुआ मां, बस जरा सी चोट आई है। पांच लोग बेरहमी से मारे गए, उन्हें नहीं बचा सका। मैं जा सकता हूं डॉक्टर, बहुत काम बाकी है। नहीं हर्ष बेटा, तुमने बहुत कुछ किया है, अब हमारे लिए अपनी जान दांव पर मत लगाओ। हम जिस तरह से जीते आए हैं वैसे आगे भी जी लेंगे, सच कहता हूं। अगर तुम्हें कुछ हो गया बेटा तो अपने आप को हम कभी नहीं माफ कर पाएंगे। हम पे दया करो, अब तुम चले जाओ।
यहाँ से चले जाओ हर्ष, हमें अपने हाल पर छोड़कर चले जाओ प्लीज हर्ष। అసల్ నీ ఏడు పొల్లేరా ఈ ఊళ్ళో గోలంతా. ముందు నీ పొలం అప్పచెప్పి ఈ ఊరు వదిలి వెళ్ళిపోతే అంత సాఫీగా జరిగిపోద్ది. ఆ పొలాన్ని నమ్ముకునే మేమంతా బతుకుతున్నాం బాబు. సంతకం పెట్టు. हर्षा, मुझे लगा तुम्हें हम सबके साथ मिलजुल कर रहने में थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तुम तो दिन ब दिन हमसे दूर होते जा रहे हो। खुद को नहीं बदलोगे क्या? बदलूंगा, मैं जैसा हूं वैसे ही और बदलना चाहूंगा। मेरा इरादा तुम्हें उस गांव से दूर रखने का था और मैंने वही किया, और मैं क्या करता बताओ? आप मुझे गांव से यहां तो लेकर आए, लेकिन मेरे अंदर से गांव नहीं निकाल पाएंगे। क्या है उस गांव में? हाँ, तेरे मां बाप यहां है, परिवार यहां है, सब कुछ यहां है, पर मेरी आत्मा वहां है। सूट बूट पहनकर इस घर के अंदर जिंदा लाश की तरह घूम रहा हूं, जिंदगी वहां जी रहा था। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही मेरा परिवार है, जो भी मुसीबत में दिखता है उसे अपना परिवार समझता। सॉरी टू से दिस, 25 साल पहले आपने कहा था तरक्की का मतलब सबको साथ लेकर आगे बढ़ना होता है। सुनने में कितना अच्छा लगता है ना, वाकई ऐसा करें तो कितना अच्छा लगेगा। कभी कभी सही रास्ते पर चोट लग जाती है, लेकिन रास्ता और मकसद सही होने चाहिए। गांव वालों ने एक इल्जाम क्या लगाया, आप गांव छोड़कर आ गए, लेकिन वहां के लोग आज भी आपकी तरक्की देखकर गर्व महसूस करते हैं। दे आर ऑल्सो आर फैमिली। पापा आपने रात दिन मेहनत करके करोड़ों रुपए कमा लिए। दिल पर हाथ रखकर कहिए, कितनी बार गांव और गांव वालों को याद किया है आपने? ₹25,000 करोड़ कमाए हैं, अब चाहते हैं मैं ₹50,000 करोड़ कमाऊं। नहीं कर सकता हूं, ऊपर से आपसे जो पैसे लेता हूं वो भी बांट देता हूं। जब भी मैं पानी पीता हूं तो खेत में पानी के लिए तरसते हुए किसान दिखाई देते हैं मुझे। खाना खाने के लिए निवाला उठाता हूं तो भूख के मारे गांव छोड़कर जाने वाले दिखाई देते हैं।
अब बर्दाश्त नहीं होता। यहां रहूंगा तो खुद के साथ सबको दुखी करता रहूंगा, वहां जाऊंगा तो खुद खुश रहूंगा, 10 लोगों को खुशियां बांटूंगा। आपने मुझे जन्म दिया है, पर जिंदगी भर आपके सामने रहकर आपको खुश नहीं रख सकता। आई एम नॉट ए गुड सन। जब भी मौका मिले आता जाता रहूंगा, आपके लिए इतना तो कर ही सकता हूं। बस जाने की इजाजत दीजिए। सब कहते हैं कि तेरा बेटा बहुत सुंदर है, लेकिन उसका दिल सुंदर है। जाओ बेटा, तुम्हें जो पसंद है जिस दुनिया में जाना है जाओ। मेक एवरीवन हैप्पी एंड बी हैप्पी। वहां सब लोग तुम्हारा बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे बेटा। डोंट बी लेट हर्षा, गो। एक मां होने के नाते गर्व से कहती हूं, मेरा बेटा होने के लिए थैंक्स बेटा। इट्स ऑल योर्स। बिजनेस के साथ मेरी फैमिली भी। मॉम डैड का अच्छे से ख्याल रखना। బస్సింక రాదేంట్రా, ఈ ఊరు నుంచి ఇంకో కుటుంబం దాటిపోతుందని వాడు లెక్క చదివితే నా గుండె తట్టుకోలేదురా. ఎవరన్నా ఊరు వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంటే ఆ లెక్క గట్టిగా చదివి నిన్ను ఎందుకు రెచ్చగొట్టావన్నో తెలుసా? నువ్వన్నా వెళ్ళకుండా ఆపుతావేమోనని చిన్న ఆశరా. వెళ్ళిపోతే ఇక్కడ మిగులున్న బతుకులకి లెక్క వృద్ధి. అరే ఒక్కసారి ఆలోచించు నారేంద్ర, నువ్వే మాకు పెద్ద దిక్కు. నువ్వే వెళ్ళిపోతే ఈ ఊరే అయిపోతుందిరా, ఊరే అయిపోతుంది. నువ్వు రోజు పూజించే ఆ భగవంతుడి ఈ ఊర్ని మన బతుకుల్ని కాపాడలేకపోయాడురా. మన బతుకులు ఈ ఊరితో ముడిపడి ఉండటం ఆయనకే ఇష్టం లేకపోతే. सब कुछ खत्म हो गया बेटा। आने वाले कोस्टल कॉरिडोर के लिए 6000 एकड़ जमीन है हमारे पास। इससे बढ़कर कुछ और हो सकता है क्या? इससे बड़ा प्रोजेक्ट और कोई नहीं हो सकता। जमीन हमारी, प्रोजेक्ट आपका, प्रॉफिट जो भी होगा 50-50। इससे बड़ी डील वी कांट इवन इमेजिन। गांव वालों की जमीन है, आगे कोई प्रॉब्लम्स हुए तो? ईमानदारी से ली हो तो प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन अगर दो चार को टपका कर जमीन ली हो तो दोबारा इस तरफ कोई नहीं आएगा। हाँ
जमीन छीन कर धंधा भी शुरू कर दिया तुम लोगों ने। वो सिर्फ कागजात नहीं, लोगों की जिंदगियां हैं। सूट पहनकर एसी कमरे में पीना ठीक लगता होगा, लेकिन एक फैक्ट्री में कुत्ते की मौत मरना सुनने में अच्छा लगता है। What is all this nonsense, माधवराव? बाद में मिलेंगे। No chance. दोबारा मिलने के लिए इनमें से कोई नहीं बचेगा। बैड लक। तुमने मुझे मारने के लिए जिन लोगों को भेजा वो निकम्मे निकले। गुस्सा उस बात का भी नहीं है, लेकिन घर परिवार माँ बाप सबको छोड़कर इस गांव को अपना माना है मैंने, और इसी को निगल लिया तुम लोगों ने। चलो अब तुम लोग बताओ, तुम्हें जिंदा छोड़ दो? सबकी हड्डियां तोड़कर कागजात ले जा सकता हूं, पर तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। तुम फिर आओगे, फिर तोड़ूंगा। कब तक चलेगा ये सब? मेरे इस गांव की कसम, आज तुम्हारी कहानी खत्म। Good.
शॉर्ट सर्किट की वजह से सब जलकर राख हो गया। फैक्ट्री में काम करने वाले और मैं बच निकले। जमीन के कागजात और वो लोग अंदर ही रह गए। हाँ हो गया पंडित जी, संक्रांति के बारे में आपको कुछ? हमारा गांव उस गांव से ज्यादा खूबसूरत है। उस गांव जाकर आया हूँ। अपने गांव की बात ही अलग है। अरे खाओ। सुबह सुबह कहाँ से आ रहे हो बेटा? बस पासी के गांव से आ रहा हूँ पापा। वहाँ मूंगफली और मिर्च की फसल अच्छी हुई है। आप जाते जाते ले जाइएगा, आपसे पैसे नहीं लूंगा। वही तो मैं उस दिन कह रही थी पर तुमने सुना ही नहीं। आप भी लीजिए। चारू तुमसे एक बात कहूँ, तुम इस साड़ी में बहुत सुंदर लग रही हो। कितनी अच्छी लग रही है ना। सही कहा आपने। नहीं शुक्रिया शुक्रिया बेटी। लीजिए। नहीं, ये वाला देखो तो सही। अगले साल इसी त्योहार को मुझे एक नन्हा बच्चा चाहिए। सुंदर लग रही है ना। सासू माँ ने कहा है कि अगले साल इस त्योहार तक उन्हें दादी बनना है। बन जाएंगी ना। सब कितने खुश हैं ना।